ओके, तो आज की क्लास में हम पढ़ लेंगे अनपेड सेलर। ओके, तो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे अनपेड सेलर। अनपेड सेलर क्या होता है, उसका मीनिंग, उसकी राइट्स, अनपेड सेलर के क्या क्या राइट्स होंगे, और इसमें हम जो सेक्शंस कवर करेंगे, सेक्शंस हम कवर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 45, एंड देन 45 से इसमें हम तीन एरिया में इसको कवर करते हैं, अनपेड सेलर कौन है, उसके राइट्स क्या हैं। तो सेक्शन 55 तक हम पढ़ेंगे, 54 तक, ठीक है, सेक्शन 54 तक हम पढ़ेंगे इसको। तो अनपेड सेलर जो है उसके राइट्स क्या हैं, सेक्शन 45 से लेकर 54 तक कवर किए गए हैं। राइट्स क्या होंगे अनपेड सेलर के, जिसमें हमें देखना है कि राइट्स ऑन गुड्स, गुड्स से संबंधित तो उसके क्या अधिकार होंगे, एंड राइट्स ऑन बायर, बायर के अगेंस्ट क्या क्या राइट्स होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो मेन फोकस तो गुड्स पे ही है, क्योंकि बायर से वो क्या क्या मांग सकता है वो भी हम देख लेंगे। ऑन गुड्स पे सबसे पहला अधिकार जो होता है वो लीन का राइट है, राइट ऑफ लीन। सेकेंड इज ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, एंड देन अल्टीमेटली द लास्ट वन इज रीसेल। देखो वैसे तो हम ऑलरेडी जब हमने इंट्रोडक्शन क्लास ली थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था, लेकिन अब थोड़े से काम नहीं चलेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ता है लीन क्या है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या है, रीसेल क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज अनपेड सेलर। अनपेड सेलर अगर आम भाषा में बात करें, अनपेड सेलर वो है जिसकी पेमेंट नहीं हुई है, ठीक है, जिसकी पेमेंट नहीं हुई है, हाफ पेमेंट हुई है या कुछ पोर्शन बचा है, तो अनपेड सेलर होता है। यानी जिसने गुड्स तो बेच दिए हैं लेकिन अभी तक उसकी पेमेंट नहीं हुई है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले सेक्शन 45 पढ़ेंगे जिसमें अनपेड सेलर के बारे में बात की गई है, देन 46 में उसके राइट्स की बात की गई है, एंड देन सेक्शन 47, 48, 49 जिसमें लीन के बारे में बात की गई है, एंड देन स्टॉपेज इन ट्रांजिट दैट इज सेक्शन 50, 51 एंड 52, एंड सेक्शन 54 इज रीसेल। एक सेक्शन बच जाता है जो 53 है, सेक्शन 53 डील करता है सब सेल से, सब सेल या प्लेज कर देता है, वो उससे डील करेगा, वो मैं आपको बताऊंगा, अलग से समझेंगे इसको सेक्शन 53 क्या है। तो ये हमने देखा गुड्स के ऊपर अनपेड सेलर के क्या क्या राइट्स होंगे। लीन हमें जनरली पता ही है, लीन का मतलब क्या होता है, टू रिटेन, रिटेन मतलब गुड्स को रोक देना। लेकिन गुड्स को कब रोके जा सकते हैं, उसके लिए गुड्स पहले पोजेशन में तो हो, जब गुड्स पोजेशन में होंगे तभी तो उसको रोका जाएगा, तभी तो उसको रिटेन किया जाएगा, बायर को नहीं सप्लाई होगी, ठीक है। तो रिटेन तब होगा जब बायर सेलर के पास उसका पोजेशन हो, अगर पोजेशन ही नहीं तो रिटेन नहीं कर सकता हूं, ठीक है। और रिटेन क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका पैसे पेमेंट नहीं हो पाई है, बायर ने पेमेंट नहीं दी है। और स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब होता है, जब गुड्स को हमने ट्रांजिट में डाल दिया है और वो गुड्स जैसे सपोज रास्ते से निकल चुके हैं और जा रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। बट स्टॉपेज इन ट्रांजिट सिर्फ और सिर्फ उसी केस में होता है जब बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है, जब प्राइमरली बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट होगा। और भी कुछ चीजें हैं तो भी मैं इससे संबंधित 50, 51, 52 में हम बताएंगे। इसके बाद लास्ट आता है रीसेल। रीसेल कब होगा, अच्छा वैसे स्टॉपेज इन ट्रांजिट को हम बोलते हैं रीगेन, वापिस ले लेना, ठीक है, वापिस लेना, गुड्स रस्ते में थे वापिस मंगा लिए, रीगेन हो गए, और ये तो ऑलरेडी पोजेशन में थे तो इसलिए इसको टू रिटेन बोला है, रोक के रखे जब तक पैसा ना आ जाए। और रीसेल की बात क्या होती है, दैट इज रीसेल है मींस जब गुड जो है वापिस आ गए हैं, यानी या तो रिटेन करके रखे थे, बायर ने पेमेंट देने से मना कर दिया, या बायर इंसॉल्वेंट हो गया, हमने स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्साइज किया, वापिस आ गए गुड्स, और मेरे पास जब सेलर के पास वापिस आ गए तो सेलर कैन रीसेल इट, रीसेल करेगा, ठीक है, रीसेल करेगा। और रीसेल करते हुए क्या क्या चीज है वो सेक्शन 54 इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन आता है वो हम डिटेल में देख लेंगे। और अब बायर है, ये तो हमने गुड्स के ऊपर अपने राइट्स एक्सरसाइज किए अनपेड सेलर ने, अब बायर क्या करता है, बायर के अगेंस्ट सेलर के क्या अधिकार होंगे। तो
तो सबसे पहले बायर को, सेलर जो है बायर को सू फॉर प्राइस कर सकता है। सू फॉर व्हाट, किसके लिए मुकदमा डाल सकता है? सबसे पहला है प्राइस के लिए, सेकंड क्या हो सकता है डैमेजेस के लिए, जो उसको नुकसान हुआ, एंड द थर्ड वन इज इंटरेस्ट। ठीक है, सपोज करो अगर टाइमली पेमेंट दे देता तो टाइमली पेमेंट डीलर, सपोज 1,00,000 रुपए की पेमेंट बायर को करनी थी सेलर को और उसने नहीं करी, उसने टाइम खराब करा, 1 साल बाद वो पे कर रहा है, तो 1 साल में अगर सेलर को 1,00,000 रुपए मिल रहे हैं तो उससे फायदा क्या हो रहा है, 1,00,000 रुपए के वो 1 साल में कम से कम इंटरेस्ट भी बनता, कुछ और जगह अप्लाई कर पैसा लगाता, तो इसलिए इंटरेस्ट भी वो मान सकता है। तो ये है बायर के अगेंस्ट सेलर के क्या क्या अधिकार होंगे। इसमें एक बात हम शुरू में ही समझ लेते हैं, जब हम गुड्स की बात करते हैं अनफिट सेलर के अधिकार गुड्स पे क्या क्या होंगे, तो जब हम लीन और स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट की बात करते हैं, इन दोनों में जब बात कर रहे हैं, तो आप ये समझ लेना ये कॉन्ट्रैक्ट अभी रेस्किंड नहीं हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट अभी रेस्किंड नहीं हुआ है, क्योंकि जब लीन हमने, जब सेलर ने गुड्स को रिटेन करके रखा है, वो रिटेन इसलिए करे हैं ताकि बायर पेमेंट कर दे और अपने गुड्स को लेके जाए, दैट मीन्स अभी कॉन्ट्रैक्ट खारिज नहीं हुआ है, अभी क्या है सिर्फ राइट ऑफ रिटेन है, और राइट ऑफ रिटेन में बायर पेमेंट दे दे गुड्स को ले जाए, तो देर इज नो कैंसलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, देर इज नो रेस्किंड हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट अभी खारिज नहीं हुआ है। ठीक है, अगर रास्ते में भी अगर हमने स्टॉपेज इन ट्रांजिट किया, गुड्स वापस आ गए हैं और अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया है, क्या पता वो सॉल्वेंट हो जाए, तो पे करे प्राइस और वापिस ले ले अपने गुड्स को। ठीक है, और सेक्शन 53 बचा है। सेक्शन 53 क्या है, जैसे सपोज कीजिए एक सेलर है और एक बायर है और एक थर्ड पर्सन है, सेलर ने गुड्स बेचे बी को और ये ट्रांजिट में है, से फॉर एग्जांपल ये ट्रांजिट यानी रास्ते में है, और रास्ते में ही बी ने क्या करा, ये जो गुड्स हैं सी को बेच दिए, रास्ते में ही बी ने जो बायर है उन गुड्स को सी को बेच दिए हैं, तो क्या क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या ए जो है, ए का जो लीन का अधिकार है, ए का जो स्टॉपेज इन ट्रांजिट है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, क्या वो अब भी बरकरार है जबकि गुड सी को बेच दिए गए हैं, या तो सेल कर दिया गया है या प्लेज कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या अब भी सेलर जो है, क्या अब भी अनपेड सेलर लीन एक्साइज कर सकता है, क्या अब भी स्टॉपेज इन ट्रांजिट किया जा सकता है? देखो लीन वही होगा जहां पे पोजीशन अगर सेलर के पास है, पहली चीज ये ध्यान रखना, और स्टॉपेज इन ट्रांजिट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जब ट्रांसमिट हो रहा है ना उस दौरान होता है, तो क्या अब भी ये कर सकता है? द आंसर इज यस, आंसर इज यस, सेलर अभी भी रोक सकता है चाहे वो सी को बेच दिए गए हैं, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, इसके कुछ अपवाद भी है। अगर यहां पर सेलर ने कंसेंट दे दी है, सेलर ने ही कंसेंट दे दिया अनपेड सेलर ने, कोई बात नहीं आप सी को बेच दीजिए, तब वो उसका राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म हो जाता है, या टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर दिए गए, टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट। अब ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब हम इस सेक्शन पे पहुंचेंगे 53 में। ठीक है, देन आई विल लेट यू नो अबाउट द सेक्शन 53। सेक्शन 53 में फिर प्लेज से संबंधित भी चीज है, अगर गिरवी रख दिया है सी के पास, अगर बी ने गिरवी रख दी है गुड्स को, तो क्या किस तरीके से राइट एक्साइज होंगे, तो अल्टीमेटली वो प्लेजी बन गया, सी तो प्लेजी बन गया, सी बन गया प्लेजी, तो प्लेजी के राइट्स देखे जाएंगे और सेलर के क्या राइट्स हैं, अल्टीमेटली फिर उस हिसाब से चीजें गवर्न होंगी। तो आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा, हाँ जी पता चल गया आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या क्या समझने जा रहे हैं, आई होप। हाँ जी बताइए, क्लियर है? अब वन बाय वन ग्रेजुअली धीरे धीरे सारे चीजों को कवर करते हैं विद द हेल्प ऑफ बेरेक्ट। सबसे पहले हम बेरेक्ट ही देख लेते हैं, अनपेड सेलर होता कौन है। बेसिक टर्मोलॉजी से तो आपको पता ही लग गया होगा अनपेड सेलर कौन है। ओके, नाउ यू कैन सी सेक्शन 45 विद डील्स विद द अनपेड सेलर को डिफाइन किया गया है। सो अनपेड सेलर कौन है? द सेलर ऑफ अ गुड्स is deemed to be unpaid, वो unpaid तब कहलाता है within the meaning of this act. सबसे पहला point क्या है? When the whole of the price has not been paid, जब उसका price pay नहीं किया गया है या tender नहीं किया गया है। ठीक है, जब उसका पैसा नहीं मिला है, यानी पूरा पैसा नहीं मिला है, पूरा पैसा यह means, say for example, अगर उसने 100 रुपए के goods बेचे थे
बट अभी तक उसको सिर्फ 80 रुपए मिले हैं, 20 रुपए नहीं मिले हैं, दैट सेलर वुड बी कंसीडर एज अ अनपेड सेलर. सेकेंड कहता है व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रिसीव्ड एज अ कंडीशनल पेमेंट. अब नेगोशिए कई बार ऐसा भी होता है कि हम ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज हम कैश में दे, तो कई बार कुछ चीजें होती है ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या बिल ऑफ एक्सचेंज हमने दिया है यानी चेक दिया है और चेक क्लियर होगा तभी गुड्स ट्रांसफर होते हैं जनरली. तो ये कंडीशन अटैच है इसके साथ एंड द कंडीशन ऑन विच इट वॉज रिसीव्ड हैज नॉट बीन फुलफिल्ड बाय द रीजन. अब वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई, क्यों फुलफिल नहीं हो पाई, क्योंकि डिसऑनर ऑफ द चेक है, डिसऑनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और अदरवाइज. ठीक है, तो अगर चेक ही क्लियर नहीं हुआ दैट मीन्स अल्टीमेटली कि जो जो सेलर है उसको पेमेंट नहीं हो पाई है, तो दैट पर्सन वुड बी कॉल्ड अनपेड सेलर. एंड 45(2) क्या कहता है, इन दिस चैप्टर द टर्म सेलर इंक्लूड्स एनी अदर पर्सन. और सिर्फ सेलर ही नहीं कवर किया गया है यहाँ पर, इस अनपेड सेलर की जो डेफिनेशन है उसका एक्सटेंशन है, सेलर ही नहीं एजेंट भी कवर होगा. Includes any person who is in the position of the seller, जो सेलर की पोजिशन में है. For instance, an agent होगा, agent हो सकता है to whom the bill of lading has been endorsed, or the consigner or agent, ठीक है, who has paid himself or directly responsible for the price. So that this definition is not only confined to the seller, but it will be extended to the agent, consigner or agent who has himself paid. और वैसे हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जिसको पूरी पेमेंट नहीं मिली है वो अनपेड सेलर कहलाता है, या जिसका चेक बाउंस हो गया है या बिल ऑफ एक्सचेंज क्लियर नहीं हो पाया है, दैट पर्सन वुड बी कॉल्ड अनपेड सेलर. अब अनपेड सेलर के क्या क्या अधिकार होंगे, दैट विल सी. अनपेड सेलर के क्या क्या राइट्स हैं, सेक्शन 46, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड फॉर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स, नॉट विद स्टैंडिंग द प्रॉपर्टी इन द गुड्स मे हैव पास्ड टू द बायर, that the property in the goods may have passed to the buyer. इसमें unpaid seller के जो अधिकार हैं, अगर देखो इसमें दोनों situation है, the property in the goods may have passed to the buyer, अगर property pass हो गई है that means ownership has been transferred, और not withstanding अगर लिख दिया, जरूरी नहीं है property pass हुई हो, तो unpaid seller के क्या क्या अधिकार होंगे, the unpaid seller of the good as such has implication of the law, these are the rights of the unpaid seller. सबसे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस किया था हमने ब्रीफ मैनर में, सबसे पहले उसका अधिकार होगा लीन का, लीन ऑन द गुड फॉर द प्राइस व्हिच इज इन पोजीशन ऑफ देम. और लीन के लिए क्या जरूरी है, मैंने आपको बताया पोजीशन होना जरूरी है, जब गुड्स पोजीशन में होंगे तभी तो उनको रिटेन किया जाएगा. तो अनपेड सेलर का सबसे पहला राइट्स है इन रिलेशन विद द गुड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लीन कर सकता है, लीन मीन्स टू रिटेन, बट रिटेन तभी होंगे जब वो पोजीशन में होगा, गुड्स पोजीशन में होने चाहिए. सेकेंडली इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, अगर देखो बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, ऑफ द बायर अ राइट ऑफ स्टॉपेज स्टॉपिंग द गुड्स इन द ट्रांजिट आफ्टर ही हैज पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ देम. दैट मींस अभी हमने डिस्कस किया था कि स्टॉपेज इन ट्रांजिट तभी होगा जब गुड्स को हमने डिलीवर कर दिया है, वो ट्रांजिट में है, डिलीवरी प्रोसेस में है, ट्रांजिट में है. यहाँ एक वर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन ट्रांजिट, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इन ट्रांजिट का मतलब क्या है. जब हम स्टॉपेज की बात करेंगे, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, वी शुड नो इन डिटेल विच इज सेक्शन 51 डील्स, जिसमें ट्रांजिट का मतलब क्या है, कब ट्रांजिट स्टार्ट होती है, कब ट्रांजिट खत्म होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब इंसॉल्वेंट हो जाता है बायर, तो उस दौरान जो सेलर है वो गुड्स को रोक सकता है, स्टॉपेज इन द ट्रांजिट आफ्टर ही हैज पार्टेड विद द पोजेशन ऑफ देम. दैट मीन्स अब पोजेशन चला गया है, अब पोजेशन निकल गया है, पोजेशन से निकल गया और ट्रांजिट में है, तभी स्टॉपेज इन ट्रांजिट होगा. एंड द थर्ड वन इज अ राइट ऑफ रीसेल एज लिमिटेड बाय दिस एक्ट. अब वो बेच सकता है जब उसके पास गुड्स सेलर के पास वापिस आ गए, स्टॉपेज इन ट्रांजिट से वापिस आ गए हैं, जब उसने रिटेन कर रखे हैं, बायर को नोटिस देगा भैया आपने मेरी पेमेंट करिए, और बाया जब पेमेंट नहीं करता है देन द सेलर वुड बी हैविंग अ राइट ऑफ रीसेल. और आगे हम पढ़ते हैं 46(2), वेयर द प्रॉपर्टी इन द गुड हैज नॉट पास टू द बायर, अगर पास नहीं है प्रॉपर्टी बायर के पास, द अनपेड सेलर हैज इन एडिशन टू हिज अदर रेमेडीज. ऊपर जो चीजें लिखी है, अगर प्रॉपर्टी पास नहीं हुई, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, तो अनपेड सेलर इन एडिशन टू द अदर रेमेडीज, जो ऊपर तीन रेमेडीज लिखे इसके अलावा और क्या क्या कर सकता है, राइट ऑफ विदहोल्डिंग द डिलीवरी.
रोक सकता है, डिलीवरी नहीं देगा, दैट मीन्स स्टिल ही कैन रिटेन इट, तब भी वो रोक सकता है. टू एंड को एक्सटेंसिव विद द राइट ऑफ द लीन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट वे द प्रॉपर्टी हैज पासेस टू द बायर. तो यानी अब कहने का मतलब है कि दो चीजें हमने इसमें पढ़ी है सेक्शन 46 में, एक तो तब जब ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई है, एक तब जब ऑनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई है. द अनपेड सेलर हैज इन एडिशन टू अदर रेमेडीज, ठीक है, वेयर द प्रॉपर्टी इन द गुड हैज नॉट पास, जब प्रॉपर्टी पास नहीं हुई है बायर के पास, ठीक है, तब भी क्या है वो विदहोल्ड कर सकता है डिलीवरी. अब प्रॉपर्टी पास कब होती है ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जब ऑनरशिप ट्रांसफर होती है तो प्रॉपर्टी पास हो जाती है, प्रॉपर्टी इन द गुड्स पास होता है जब ऑनरशिप ट्रांसफर होती है. कई बार ऐसा होता है एग्रीमेंट टू सेल के अभी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, राइट, जब ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है तब भी वो विदहोल्ड कर सकता है डिलीवरी देने से, मना कर सकता है, क्या पता बायर पैसा ही नहीं दे रहा है, तब भी वो विदहोल्ड कर सकता है डिलीवरी, ठीक है. तो 46 में एक जर्नल इसके राइट्स बताए गए अनपेड सेलर के, क्या राइट्स हैं, तीन हमने राइट्स देखे, लीन, इंसॉल्वेंस, लीन का राइट है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड द थर्ड वन इज रीसेल. बट इफ द प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन पास, अगर प्रॉपर्टी पास नहीं हुई है बायर, तो एक एडिशनल राइट है विदहोल्डिंग द डिलीवरी. इज दैट क्लियर? हाँ जी, यस सर. अब हम इसको करते हैं, देखो अब हम लीन पे जाएंगे, लेकिन उससे जाने से पहले देख लेते हैं कुछ बेसिक चीजें और क्या समझनी है इसमें. तो सेलर का लीन का क्या क्या राइट्स होंगे, अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल लीन की बात कर लेते हैं, देन विल डिस्कस इन डिटेल. अनपेड सेलर का सबसे पहला अधिकार क्या है, लीन का. लीन हियर मींस राइट टू रिटेन, सेलर्स लीन. Subject to the provision of this act, the unpaid seller of the goods who is in the possession of them, जिसके पास इन चीजों का कब्जा है, ठीक है, जिसके पास इनका कब्जा है, यानी possession, seller की possession में होनी चाहिए goods, is entitled to retain the possession of them, उसको रोके रख सकता है, until the payment, जब तक payment or tender of the price in the following case, namely, जब तक उसका payment ना हो जाए. That means मैंने अभी आपको already बताया, सिर्फ यहाँ पर जो अनपेड सेलर है वो कॉन्ट्रैक्ट को खारिज नहीं कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ उसको रिटेन करने का अधिकार दिया गया है. कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वैलिड है, वो चल रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, बट उसके पास सेलर के पास क्या अधिकार है, अनपेड सेलर के पास रिटेन करने का. दैट मीन्स अगर बायर पेमेंट दे देता है तो गुड्स ले जा सकता है. तो सेलर के पास क्या क्या अधिकार होंगे यहाँ पे लीन में, Where the goods have been sold without any stipulation as to credit. जब कभी goods हमने बेचे हैं, seller ने goods जब बेचे हैं without any stipulation as to credit, यानी हमने cash में goods बेचे हैं, credit में नहीं दिए, उधार में नहीं दिए, तो payment दे, goods ले जा. वो payment नहीं दे रहा है तो seller रोक के रखेगा. और second क्या कहता है, where the goods has been sold on credit, लेकिन कई बार goods उधार पे भी दिए जाते हैं. Suppose करो मैंने एक महीने के उधार पे दिया कि goods आप ले जाइए, या गुड्स मेरे पास है, पोजेशन होना चाहिए. देखो लीन में पोजेशन होना चाहिए तभी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं लीन, अदरवाइज नॉट. तो गुड्स अगर मैंने उधार पे बेचे हैं, गुड्स मेरे पास ही हैं, अभी सेलर के पास ही हैं, बट द टर्म ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड, मैंने कहा था एक महीने में अमाउंट पैसा दे देना, एक महीना बीत गया, ठीक है, अगर एक महीना बीत गया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लीन का अधिकार हो जाएगा, मना कर देगा, भैया तूने पैसे तो दिए नहीं. या एक दो दिन की उधारी होती है कि मेरे को गुड्स, चलो मैं ऑनर तो बन गया हूँ, मेरे पे पोजीशन नहीं आया है, बट अगर मैं क्रेडिट उधार पे दिया, उधार नहीं पे कर रहा है, तो सेलर जो है रिटेन कर सकता है गुड्स को. और वेयर द बायर बिकम इंसॉल्वेंट, और बायर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो भी लीन का अधिकार है. ऑफकोर्स ही बात है, प्रोटेक्ट किया गया है इन द इंटरेस्ट ऑफ सेलर. अब जो इंसान सामने वाला इंसॉल्वेंट हो गया, वो मेरा पैसा दे ही नहीं पाएगा, तो मैं उसको जबरदस्ती गुड्स ट्रांसफर थोड़ी ना करूंगा. तो अब अगर एक चीज आप यही समझ लेंगे, मैंने आपसे कहा था स्टॉपेज इन ट्रांजिट जो होते हैं वो इंसॉल्वेंट के केस में ही होता है, और लीन क्या होता है, इंसॉल्वेंट हो, लीन तो इंसॉल्वेंट में भी हो सकता है, राइट, राइट ऑफ लीन, लेकिन जो स्टॉपेज इन ट्रांजिट है वो सिर्फ इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी के केस में होगा. नाउ सेलर्स लीन, सेलर में एक्साइज राइट ऑफ लीन नॉट विद स्टैंडिंग दैट इज इन पोजेशन ऑफ द गुड्स एज एन एजेंट और द बेली. लीन का अधिकार तब भी बरकरार रहेगा,
लीन का अधिकार तब भी बरकरार रहेगा चाहे सेलर के पास जो गुड्स हैं या तो उसके एजेंट के पास हो, चाहे वो एज अ बेली के पास हो, ठीक है, एज अ बेली, बायर का बेली क्यों ना हो। जैसे हमने बताया था गुड्स बेच तो दिए गए हैं लेकिन अभी भी पोजीशन किसके पास है, सेलर के पास है, और बायर जो है पैसा नहीं पे कर रहा है, तो जो सेलर है वो उस दौरान एज अ ट्रेड होता है बेली, तो ही कैन रिटेन द गुड्स अनटिल अनलेस उसकी पेमेंट नहीं होती है। आई होप आपको याद होगा ये सेकंड क्लॉज 47 का 2 में बेली की सिचुएशन जो मैं सेलर की बता रहा हूँ किस रेफरेंस में बता रहा हूँ। हाँ जी क्लियर है ये वाला पॉइंट 47 का 2? यस सर। अच्छा पार्ट डिलीवरी की बात क्या है, हम लीन बिल्कुल कर सकते हैं। देखो 47, 48, 49 दिस थ्री प्रोविजन डीलिंग विद द लीन, राइट ऑफ लीन। पार्ट डिलीवरी क्या है, अब गुड्स की डिलीवरी होनी थी 100 बेल्स ऑफ कॉटन्स की डिलीवरी होनी थी लेकिन मैंने भी 50 डिलीवर कर दी हैं, लेकिन 50 अभी मेरे पास ही हैं, 50 अभी सेलर के पास ही हैं और बायर पैसा नहीं पे कर रहा है, तो क्या मैं 50 को रोक सकता हूँ? मैं बिल्कुल रोक सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड पार्ट डिलीवरी। सो वेयर एन अनपेड सेलर हैज मेड अ पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स, जब ऑलरेडी पार्ट डिलीवरी गुड्स की हो चुकी है, He may exercise his right of lien on the remainder. मैंने आपसे कहा 100 tons of bales का contract हुआ था, 100 tons bales of cotton में से 50 already delivered हो चुके हैं लेकिन 50 अभी भी बचे हैं, तो 50 को मैं remainder को जो बचा हुआ है उस पर lien exercise कर सकता हूँ, seller रोक सकता है जब तक payment ना आ जाए। Unless such part delivery has been made under such circumstances as showing an agreement to waive the lien. But कई बार क्या हो सकता है, अगर सेलर ने इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो रोक नहीं सकता, लीन नहीं लगा सकता, रिमाइंडर में वेव कर दिया गया है, तो फिर वो पार्ट डिलीवरी को नहीं रोक सकता। नाउ देन वी हैव 49 टर्मिनेशन ऑफ द लीन। लीन कब कब टर्मिनेट हो जाती है, टर्मिनेशन ऑफ लीन, द अनपेड सेलर ऑफ द गुड्स लूजेस हिज राइट ऑफ लीन देयर ऑन, कब उसका राइट नहीं रहेगा लीन का रिटेन करने का, When he delivers the goods, जब वो गुड्स को डिलीवर करता है to a carrier or other bailee for the purpose of transmission to the buyer without reserving, देखो ये इंपॉर्टेंट है काफी, टर्मिनेशन ऑफ द लीन कब उसका राइट खत्म हो जाएगा, जब वो लीन नहीं कर सकता अनपेड सेलर, फर्स्ट ऑफ ऑल when he delivers the goods to the bailee को दे दे या जो कैरियर वाला उसको दे दे, यानी उसने ट्रांजिट में डाल दिए हैं गुड्स, अल्टीमेटली ट्रांजिट यहाँ पे पोजेशन खत्म हो गया और ट्रांजिट में डाल दिए हैं तो उसका राइट खत्म हो जाता है। इसमें बहुत टेक्निकल पॉइंट्स जो भी हम धीरे धीरे समझेंगे, अब इसमें काफी चीजें देखने वाली बातें होती हैं कि अब इसी से संबंधित, जैसे पोजेशन जैसे खत्म होता है, पोजेशन के बाद गुड्स को ट्रांजिट में डाल देंगे, तो वो अब ये भी देखना पड़ेगा कि जो ट्रक है वो किसका है, अगर वो बायर का ट्रक है तो जैसे ही गुड्स उस पर डाल दिए ट्रक में तो वैसे ही ट्रांजिट खत्म हो जाता है, तो स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट भी खत्म हो जाएगा, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है, डिटेल में। बट अगर वो इंडिपेंडेंट कैरियर का ट्रक है, ठीक है, तो फिर ट्रांजिट अभी भी बरकरार रहेगा, वो हम सेक्शन 51 में पढ़ेंगे सारी चीजें। बट कॉमन लॉ क्या कह रहा है यहाँ पे, सेक्शन 49 कह रहा है राइट ऑफ लीन खत्म हो जाएगा जैसे ही गुड्स को डिलीवर किया है, डिलीवर द गुड्स टू अ कैरियर और अदर बेली for the purpose of transmission to the buyer without reserving the right of the disposal of the goods. ये बहुत important line है, हम already discuss कर चुके थे ये, without reserving the right of goods of the disposal. एक होता है reserving the right of the disposal, reserving the right of the disposal of the goods, जब seller इसका अधिकार अपने पास रखता है, यानी goods transmit तो हो गए हैं लेकिन उसने right अभी भी अपने पास रखा है seller ने, उसका मतलब क्या है, जैसे गुड्स अगर ट्रांजिट के दौरान सेलर कभी भी बोल सकता है, अगर पता चल गया सेलर को कि बायर जो इंसॉल्वेंट हो गया, तो वो कह सकता है कि भैया गुड्स वापस लिया, पहला तो ये ऑप्शन हो गया क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंसॉल्वेंसी की। दूसरा कब होता है, जब राइट रिजर्विंग ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स जब सेलर अपने पास रखता है कि अगर जब तक पेमेंट ना दे बायर अपने ड्राइवर को या एजेंट को या बेली को, ये कहता है कि जब तक पैसा ना दे बायर तब तक गुड्स की डिलीवरी मत करना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स एट द सेलर, सेलर ने अपने पास रखा है। बट यहाँ पे क्या लिखा है,
विदाउट रिजर्विंग, दैट मीन जैसे ही गुड्स को लोड किया गया है लीन का अधिकार खत्म हो जाएगा। ये वाला पॉइंट समझ में आया 49 का ए? यस सर। अब बी क्या कहता है, व्हेन द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन्स पोजेशन ऑफ द गुड्स, व्हेन द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स। अब जब गुड्स जब तक मेरे पास आई मीन सेलर के पास है तब तक तो लीन का अधिकार है, लेकिन लीन का अधिकार कब खत्म हो जाएगा, जैसे ही बायर ने या बायर के एजेंट ने पोजेशन को ऑप्टेन कर लिया है। जैसे ही बायर अपना ट्रक लाया, ध्यान रखना बात में मैं क्या रहा हूं, बायर अपना ट्रक लाया उस ट्रक में लोड हो गए गुड्स, तो लीन का अधिकार होगा या नहीं होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, बाय वेवर देयर ऑफ, या तो फिर जो सेलर है वेव कर दे अपने अधिकार को कि मैं लीन का, क्योंकि मेरे पे भरोसा है, चलो आप पैसा दे ही देंगे, ले जाओ गुड्स, लीन नहीं कर सकता फिर वो। The unpaid seller of the goods having a lien thereon does not lose his lien by reason only that he has obtained a decree for the price of the goods. अब कोर्ट ने डिक्री पास कर दिया भैया इसका पैसा वापस दो, पैसा की डिक्री तो आ गई, अभी तक डिक्री का एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, डिक्री तो आ गई है लेकिन डिक्री का एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, दैट मीन जब तक पेमेंट ना हो जाए, जब तक सेलर की पेमेंट ना हो जाए तब तक उसका राइट ऑफ लीन खत्म नहीं होता है। इज दैट क्लियर? तो तीनों हमने सेक्शन पढ़ लिया, तीनों सेक्शन को बहुत डिटेल में विद द केस लॉज हम समझ लेंगे, बाकी काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन तो है अनपेड सेलर पे, 100% क्वेश्चन यहाँ से बनता है मेंस का, अगर क्वेश्चन आता है तो सेल्स ऑफ गुड्स में 4-5 ही ऐसे एरियाज है जहां से क्वेश्चन मेंस का बनता है, जिसमें से कि एक अनपेड सेलर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा अनपेड सेलर। नाउ सेक्शन 45 में हमने पढ़ा अनपेड सेलर कौन होता है, अनपेड सेलर वो है जिसकी पेमेंट नहीं हुई है, अभी जिसकी पेमेंट नहीं हुई है, मैं ऑलरेडी एक बार आपको बता चुका था, सपोज उसको गुड्स के पलटे 100 रुपीज मिलने थे बट अभी सिर्फ उसको 50 रुपीज मिले हैं, या 80 रुपीज मिले हैं, या 90 रुपीज मिले, या 99 रुपीज मिले, स्टिल अगर 1 रुपीज इज नॉट पेड, इफ 1 रुपीज इज नॉट बीन पेड, इन दैट केस ऑल्सो द अनपेड जो सेलर है वो अनपेड सेलर कहलाएगा। मैं आपसे एक बात और कर चुका था, सपोज करो ये गुड्स की बात कर रहा ना, गुड्स की पेमेंट नहीं मिली है, बट मैंने आपको एक बार बताया था अगर कोई कैरेज है यानी जाने का जो भाड़ा वगैरह होता है अगर वो नहीं मिला है, दैट पर्सन कैन नॉट बी कॉल्ड एज अनपेड सेलर, वो नहीं अनपेड सेलर नहीं बनता है, कैरेज अलग चीज है, गुड्स का पेमेंट अलग है, तो गुड्स के पेमेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेक्शन 45 में, ठीक है। और इसके डेफिनेशन जो अनपेड सेलर का जो डिफाइन किया गया है 45 में, उसमें हमने एजेंट को भी कवर किया है, ठीक है, जरूरी नहीं है सेलर, सेलर का मतलब ऑनर ही नहीं, एजेंट भी कवर है, वो भी अनपेड सेलर होगा। एंड देन वी हैव डिस्कस्ड राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, फिर हमने बात करी राइट्स क्या क्या होंगे, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, अनपेड सेलर के क्या क्या अधिकार होंगे सेक्शन 46 हमने देखा, जो बेसिक बात करता है जिसमें तीन चीजें की गई हैं। अब इसमें तीन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल लीन का अधिकार है, सेकेंड इज लीन कब होगा, जब गुड्स पोजेशन में होंगे, ठीक है, 46 का ए यही कहता है। और लीन को हमने कहां से कहां तक डिस्कस किया अभी तक, 47 से 49 तक। देन बी इज टॉकिंग अबाउट राइट ऑफ स्टॉपेज इन द गुड्स इन द ट्रांजिट, स्टॉपेज लिख रहा हूं मैं, ठीक है, स्टॉपेज का अधिकार है, स्टॉपेज तब होगा गुड्स का जब वो इन ट्रांजिट में होंगे और सामने वाला क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तभी एक्साइज होगा, इनसॉल्वेंट अगर हो जाता है, ये फोकस करना, इनसॉल्वेंट की बात की गई है सेक्शन 50, 51 एंड 52। एंड द थर्ड वन इज सी, राइट ऑफ रीसेल, रीसेल का अधिकार है, ठीक है, रीसेल ऑफ द गुड्स बेच दिए जा सकते हैं, दैट इज अंडर सेक्शन 54। ये हमारे बेसिक राइट बताता है, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। इसमें एक एडिशनल राइट दिया गया है, अच्छा ये तो जो तीनों राइट्स दिए हैं तब दिए हैं जब गुड्स जो है पास हो चुके हैं, प्रॉपर्टी पासिस, प्रॉपर्टी
property in goods passes, ठीक है, passes here means ownership transfer हो गई है। एक और अगर आपने देखा होगा 46 के अंदर, 46 में मैंने भी आपको दिखाया था, 46 का टू, 46 के टू में क्या लिखा है? When property in goods has not passed to the buyer. Has not been passed. अभी पास नहीं हुई है, यानी अभी उसकी ownership transfer नहीं हुई है, तब भी goods किसके पास है? Retain किए में किसके पास? Seller के पास है, तब भी lien excise होगा। ये सारे rights तो excise होंगे, एक दो तीन, ये तीनों तो मिले ही हैं, लेकिन वर्ड लिखा है इन एडिशन टू, ठीक है, इन एडिशन टू क्या एक्स्ट्रा राइट मिला हुआ है? विद होल्डिंग द डिलीवरी, विद होल्ड करेगा वो डिलीवरी को, विद होल्डिंग डिलीवरी, इज दैट क्लियर? ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, ये तीन राइट तो मिले ही हैं, बट अगर गुड्स पास ही नहीं हुए, पास है मींस ऑनरशिप इज नॉट बीन ट्रांसफर्ड, then the seller is also having additional right which means the withholding the delivery, अब ये delivery भी रह सकता है, ठीक है, ये हमारा 46 हो जाता है, 46 में भाई इतना ही है, समझ लीजिए। withholding delivery और lien में क्या फर्क होगा फिर? देखो ultimately है तो ये lien का ही right, लेकिन देखो lien तब होता है, lien का अधिकार तब है, generally कब होता है? जब goods को बेच दिया गया है, सेल होना चाहिए, ऑनरशिप, ऑनरशिप गई है, बट कई बार अभी उसने ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, ऑनरशिप तो बाद में ट्रांसफर होगी, राइट उसके पास है, लेकिन देयर माइट बी एन एग्रीमेंट टू सेल हुआ हो, ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल में ऑनरशिप ट्रांसफर होती है क्या? तब वो डिलीवरी रोक सकता है ना, ठीक है, एंड देन वी हैव अ लीन, अब लीन समझ लेते हैं, लीन क्या होता है, लीन हमने बैरेट से तो समझ लिया, लीन क्या है, राइट ऑफ लीन, द फर्स्ट वन इज राइट ऑफ लीन, अब राइट ऑफ लीन क्या है, राइट टू रिटेन, चीजों को रोकना, राइट ऑफ रिटेन अगेंस्ट द गुड्स होता है, गुड्स को रोक दिया जाएगा, डिलीवरी नहीं होगी, और ये उसका अधिकार है, और कब करेगा राइट ऑफ लीन? तब एक्साइज होगा जब पेमेंट नहीं मिल रही है, पेमेंट नहीं दिए तो लीन करेगा, ओके, और ये राइट ऑफ लीन तब एक्साइज हो रहा है यहां पर जब प्रॉपर्टी जो है वो पास हो गई है। वैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि प्रॉपर्टी पास नहीं है तब भी लीन का अधिकार है, राइट ऑफ रिटेन, बट उस सिचुएशन में मैंने भी आपको बताया, अभी जैसे मैंने अभी 46 का 2 आपको समझाया था, 46 के 2 में हमने देखा था राइट ऑफ लीन भी है, स्टॉपेज इन ट्रांसिट भी है, रीसेल भी है, ठीक है, वो तीन तो है ही, उसके अलावा क्या होता है जब गुड्स अभी पास नहीं हुए, प्रॉपर्टी इज नॉट बीन पास, ऑनरशिप अभी पास नहीं हुई है, ऑनरशिप अगर पास नहीं हुए तो उस वक्त भी वो विदहोल्ड कर सकता है प्रॉपर्टी को, उसको हम जनरली बोल देते हैं क्वासी लीन बोलते हैं, ठीक है, क्वासी लीन कहा गया उसको, ठीक है, अदरवाइज क्या होना चाहिए, गुड्स तो पास होने चाहिए तभी लीन एक्साइज होगा, लीन तो तभी एक्साइज होता है ना जब हमने गुड्स बेच दिए हैं। क्या कोई इंसान अपने ही गुड्स पे लीन कर सकता है जो बिके नहीं है? कैन अ सेलर लीन ऑन हिज ऑन गुड? कैन अ सेलर लीन ऑन हिज ऑन गुड्स? हाँ जी बताइए मुझे इसका आंसर दीजिए जो मैंने लाइन लिखी है। कैन अ सेलर लीन ऑन हिज ऑन गुड्स? नहीं कर सकता ना। अरे पहले तो चीज बिकनी चाहिए, बिकेगी, ऑनरशिप ट्रांसफर होगी तभी तो लीन का रिटेन करने का अधिकार है। अरे मेरी चीज मेरे पास है तो मैं इस पर लीन एक्साइज कर सकता हूँ क्या? कभी नहीं कर सकता हूं, इसलिए लीन तभी एक्साइज होगा, चीज का बिकना जरूरी है, और इसीलिए यह कहा है जब ऑनरशिप अगर ट्रांसफर नहीं हुई है तो दैट इज कॉल्ड क्वासी लीन ओनली, इज दैट क्लियर? हाँ जी, देखो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, एक एक बारीकियां समझ में आनी चाहिए, इतनी बारीकी से अगर आपने बैरक पढ़ लिया ना तो आप इंटरप्रिटेशन निकाल ही लोगे खुद को, और कभी भी जरूरी नहीं है। आज आप देखो हम 12-13 एक्ट पढ़ते हैं, 12-13 लॉ पढ़ रहे हैं, बट आने वाले टाइम में जब आप जज बन जाएंगे या लॉयर बनते, रेनाउंड लॉयर,
इतनी बारीकियां वो ही निकाल पाता है जिसको बहुत अच्छे से कानून की समझ हो, ठीक है, तो वो तभी आप निकाल पाएंगे जब चीजों को समझेंगे, इतनी बारीकियों में जाके इंटरप्रिटेशन वो ही कर पाता है जिसको समझ में आता है बेरेट को कैसे पढ़ना है समझना है, तो दैट इज कॉल्ड क्वासिलीन। ओके, अब हमने देखा 47 में बात कर लेते हैं, सेक्शन 47 जो लीन की बात करता है, 47 का 1, लीन का मतलब क्या है, टू रिटेन, गुड्स को रिटेन कर लेना जब तक उसका पेमेंट नहीं मिल रहा है, जब तक उसका प्राइस नहीं मिल रहा है। अब प्राइस कब नहीं मिल रहा है, जब हमने कैश में ट्रांजेक्शन करी है, वो कैश नहीं दे रहा है, ये तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है। क्रेडिट में लिखा है, क्रेडिट में पेमेंट होती, क्रेडिट का टाइम एक्सपायर हो गया तब भी पेमेंट नहीं दे रहा है, और सी अल्टीमेटली जब वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, जब सामने वाला इंस्टॉलमेंट हो गया, तो मैं अपने गुड्स को क्यों दूंगा सामने वाले, मुझे पता है पैसा तो आएगा ही नहीं, मैं पागल हूं क्या उसको गुड्स दूंगा, ठीक है। नाउ अब इससे संबंधित ही, लीन से संबंधित बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको समझना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं लीगल इंसिडेंट्स ऑफ द लीन, लीगल इंसिडेंट्स ऑफ लीन। जब आप लीन करेंगे तो क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लीन होता है, लीन का संबंध किससे है, पजेशन से है या ऑनरशिप से है? पजेशन, इसका संबंध पजेशन से है। गुड्स मस्ट बी इन द पजेशन ऑफ द सेलर, के पास होने चाहिए। ऑनरशिप तो ऑफकोर्स ही बात है ट्रांसफर हो गई है बायर के पास, एंड देयरफॉर द गुड मस्ट बी इन द पोजीशन ऑफ द सेलर के पास होगा, देन ही आई मीन द सेलर कैन एक्साइड द राइट ऑफ लीन, ठीक है। तो आप इसका एक पहला पॉइंट बना देंगे कि लीन इज लिंक्ड विद द पोजीशन, लीन इज लिंक्ड विद द या रिलेटेड विद द पोजीशन, नॉट विद द ऑनरशिप, ठीक है, नॉट विद द ऑनरशिप। इज दैट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? सेकेंड क्या चीज आपको समझनी पड़ेगी लीन से संबंधित है, लीन कब एक्साइज होगा? लीन कैन ओनली बी एक्साइज फॉर द नॉन पेमेंट। नॉन पेमेंट ऑफ व्हाट? नॉन पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स। जब आप सामने वाला बायर उसका पैसा नहीं पे कर रहा है, देन ओनली इट वुड बी एक्साइज। मैंने आपको बताया, अच्छा एक बात बताओ, जो वेयर हाउस के चार्जेस हैं वो बायर नहीं दे रहा है। If the buyer is not paying the charges of the warehouse, can a seller excise the lien? No sir. ये देखो ध्यान रखना, ठीक है, warehouse के charge के लिए नहीं होगा, goods के लिए लिखा है ना यहाँ पे। Third point lien से संबंधित आपको ये ध्यान रखना है, lien जो है, lien और part delivery. पार्ट डिलीवरी कहां पर है? सेक्शन अंडर सेक्शन 48 हमने पढ़ा अभी। पार्ट डिलीवरी दैट मींस ए ने बी को गुड्स बेचे हैं, 100 टन्स ऑफ बेल्स ऑफ कॉटन्स, 100 बेल्स बेची हैं, 50 की डिलीवरी हो चुकी है, 50 की डिलीवरी ऑलरेडी हो चुकी है, बायर के घर पे पहुंच चुके हैं, बायर के वेयर हाउस में पहुंच चुके हैं। अच्छा, जब बायर के पास पहुंच चुके हैं, बायर पोजीशन ले चुका है या बायर का एजेंट पोजीशन ले चुका है, क्या इस 50 पे लीन हो सकता है? आंसर इज नो, इस 50 पे नहीं हो सकता, ये तो पहुंच गए ना, बट रिमेनिंग 50 मेरे पास पड़े हैं अभी भी सेलर के पास, इस पे लीन हो सकता है? आंसर इज यस, इस पे लीन नहीं होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? बताइए जल्दी से, ये सुनो। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, इसका फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है समझना। राइट ऑफ लीन जो है, राइट ऑफ लीन क्या ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है क्या? राइट ऑफ लीन जो है क्या ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट को रेस्किंड कर देता है क्या? क्या राइट ऑफ लीन जैसे ही सेलर ने अपने एक्साइज किया राइट ऑफ लीन, डस इट रेस्किंडिंग रेस्किंड्स, डस इट रेस्किंड द कॉन्ट्रैक्ट? नो सर, कॉन्ट्रैक्ट खारिज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। कभी आप कॉन्ट्रैक्ट खारिज कर दो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट हो जाएगा तो उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे,
इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट या रेस्किंड होना और राइट ऑफ लीन, एक तो लीन है, एक है कॉन्ट्रैक्ट रेस्किंड होना, इसके रिजल्ट बताइए, इसके रिजल्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। लीन में तो जो सेलर है वो बायर से पैसा मांगेगा, बायर पे कर देता है, भैया गुड्स ले जा। लेकिन अगर रेस्किंड हो गया कॉन्ट्रैक्ट तो क्या बायर पेमेंट देने के बाद गुड्स ले जा सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा लॉजिक? यस सर। क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट ही खारिज हो गया, जब कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया तो ना ही वो लीन एक्साइज होगा। अच्छा एक बात बताओ, जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब सेलर गुड्स बेच सकता है नहीं बेच सकता है? हाँ जी, सेलर जब गुड्स बेचेगा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पेपर में आ गया ना तो अच्छे अच्छे शायद आंसर ना दे पाए, लेकिन जिसको नॉलेज होगा वो दे देगा। कॉन्ट्रैक्ट रेस्किंड हो गया, अब सेलर क्या करता है, गुड्स को, पहले तो ये गुड्स जाने थे ए के पास, लेकिन गुड्स अब कॉन्ट्रैक्ट रेस्किंड हो गया, अब सेलर क्या करता है, इन गुड्स को बी को बेचता है, बी को सेल कर देता है। इस सेल से, इस सेकंड सेल से, सेकंड सेल से जब बी को गुड्स बेचे सेलर ने, इससे इसको प्रॉफिट हुआ, इससे प्रॉफिट हुआ किसको, सेलर को काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ। ए को बेचता, फर्स्ट वाले को बेचता तो इसको 100 रुपए बचते, से फॉर एग्जांपल बी वाले को बेचने के बाद 200 रुपए बचे। कैन दी फर्स्ट सेलर, कैन दी फर्स्ट सेलर आस्क फॉर द प्रॉफिट? नो। व्हाई सो? अगर इसने नोटिस नहीं दिया, सर नोटिस की तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट रेसेंड हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट स्टिल सब्सिस्टिंग। बहुत ही बढ़िया, ठीक है, दैट इज अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। कॉन्ट्रैक्ट जब रेस्किंड हो गया है तो भैया नोटिस क्यों दूंगा मैं तेरे को, नोटिस तो तब दिया जाता जब कॉन्ट्रैक्ट अभी भी सब्सिस्टिंग है। नोटिस तो मैं तब देता ना जब भाई मैंने आपके मैं रीसेल करने जाता। रीसेल का मतलब क्या, दोबारा बेचना। जब कॉन्ट्रैक्ट खारिज हो गया, ये गुड्स किसके हो गए, हु इज ऑनर नाउ, सेलर इज ऑनर नाउ, तो सेलर बी को बेचे या ना बेचे वो तो उसके गुड्स हो गए ना। समझ में आया लॉजिक? बाकी और भी बताइए जल्दी से। Yes, ये काफी अंदर बारीकियां इस चीज को समझना पड़ता है, बस जो ये चीज समझ, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा घुमा के। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो समझ लो आपका जो अनपेड सेलर का, रीसेलिंग का जो राइट है वो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चार पॉइंट को ध्यान में रखना, ठीक है। और लीन किसका कर सकता है, एक पांचवा पॉइंट है, जो भी उसके पास गुड्स है ना, सेलर के पास, सेलर के पास गुड्स का पोजीशन होना जरूरी है, उन्हीं का वो लीन करेगा, जो ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुके हैं उनका नहीं हो सकता लीन, ठीक है। तो दीज आर दी फाइव पॉइंट्स, कीप इन योर माइंड व्हाइल जस्ट राइटिंग एन आंसर। जब आप आंसर लिखेंगे ना पेपर में, इन चीजों को, सारी बारीकियों को लिख देना अगर याद आ जाए तो। आगे चलते हैं ना, सेक्शन 49 हमने देखा, सेक्शन 49 में हमने देखा टर्मिनेशन ऑफ लीन। लीन कब कब टर्मिनेट हो जाता है, सेक्शन 49 में डील किया गया है, कब कब टर्मिनेट होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल सर एक मिनट प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ जी, सर हो गया सर। ओके चलो, टर्मिनेशन ऑफ लीन, लीन कब खत्म हो जाता है, यानी राइट ऑफ लीन कब खत्म हो जाएगा। सेक्शन 49 में हमने देखा उसका लीन का अधिकार खत्म हो जाएगा, जिसमें हमने ए पढ़ा सबसे पहले 49 का ए, व्हेन ही डिलीवर्स द गुड्स टू दी कैरियर वाले को देता है, गुड्स को डिलीवर कर दिया गया है, डिलीवर टू कैरियर और अदर बेली।
फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के लिए दे दिया गया है, ठीक है, टू द बायर विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ द डिस्पोजल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार प्रोविजन है, विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ, विदाउट रिजर्विंग राइट ऑफ डिस्पोजल। सेलर ने अपने पास राइट को रिजर्व नहीं करा। सेक्शन बताओगे कौन सा सेक्शन है रिजर्विंग द राइट ऑफ, राइट ऑफ डिस्पोजल, या बैरक पर पलटने की जरूरत पड़ रही है? 26 कैसे हो सकता है? तो रेस्ट पास 25। हाँ जी 26 तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ठीक है। तो गुड्स डिलीवर टू दी कैरियर वाले को दे दिए गए हैं या बेली को दे दिए गए हैं ट्रांसमिशन के लिए, यानी पोजीशन खत्म हो गया ना, अब कब्जे में कहां रही थी? जब आपने ट्रक में लोड ही कर दी है चीज, ट्रक में लोड कर दी है तो भैया वहां तो निकल चुके ना गुड्स पोजीशन से, तो वहां पे लीन अब वो रोक नहीं सकता, रिटेन नहीं कर सकता। रोक सकता है ट्रांसमिशन में लेकिन रिटेन नहीं कर सकता, टू रिटेन नहीं कर सकता, ठीक है। सेलर अब रिटेन नहीं करता। तब कैरियर की जो बात है यहाँ पे, कैरियर वाला जो है या बेली वाला, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी स्कोप को समझना पड़ता है। अब कैरियर वाला जो है वो किसका है? अगर वो सेलर का है, यहाँ ये भी देखेंगे क्या वो बायर का है। अगर बायर का है ना तो इमीडिएटली ट्रांसमिट हो जाता है, ट्रांसमिशन एंड हो जाएगा। ये मैं भी आपको आगे भी समझाऊंगा जब सेक्शन 51 को पढ़ेंगे। अगर वो सेलर का है तो सेलर अभी भी तो कह सकता है अपने ड्राइवर से कि गुड्स को तब तक मत दियो जब तक वो पैसा ना दे, तब तक नीचे मत उतारियो, तब तक बेली को बायर को मत दियो जब तक वो पेमेंट ना दे। दैट मीन्स सेलर ने रिजर्व कर रहा है राइट ऑफ डिस्पोजल। बट जनरली गुड्स जब डिलीवर किए गए 49 में उसका राइट टर्मिनेट होता है, जैसे ही उसने विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल और गुड्स को ट्रांसमिट कर दिए हैं तो वहीं पे उसका अधिकार खत्म, जैसे ही पोजीशन उसके हाथ से गया। क्लियर है? हाँ जी। सेकेंड है व्हेन द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेनिंग द पोजीशन ऑफ द गुड्स। अब बायर ने क्या कर लिया है, बायर या उसका एजेंट आता है और लॉफुली पोजीशन ले लेता है। लॉफुली अगर पोजीशन गुड्स का ले चुका है तो यहाँ पर लीन खत्म हो जाता है। बायर आता है किसके पास, सेलर के वेयर हाउस में आता है, अपना ट्रक लगाता है सारे गोदाम पे, गोदाम से जितना भी माल है उसका बायर अपने ट्रक में लोड करवा लेता है। जैसे ट्रक में लोड हुए गुड्स, खत्म, लीन खत्म। अच्छा, क्या स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट होगा यहाँ पर? मैंने भी एग्जाम्पल जो दिया, क्या इसमें स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? तो क्योंकि बायर ही तो, बायर ने पोजीशन ले लिया, बायर ने पोजीशन ले लिया, अपना ट्रक लाया है। बायर किसका ट्रक लाया? अपना लाया है, गुड्स उसके अपने ट्रक में चले, पोजीशन जा चुका है। अच्छा, ये ट्रक अगर रेलवे वालों का होता, अगर ये रेलवे वालों का ट्रक होता, रेलवे वाले का मतलब कैरेज, तो फिर ये देखा जाता कि किसके नाम पर रिसीट बनी है। सेलर के नाम पर है तो सेलर कैन स्टिल स्टॉप द गुड्स। हाँ जी। अगर बायर के नाम पर है तो फिर बायर को पोजेशन का, फिर इसमें बिल ऑफ लेडिंग देखते हैं ना। इसमें हमने पहली चीज तो ये देखना है कि ये ट्रक किसका है। ट्रक अगर ये सेलर वाले का है ना, अगर सेलर का है तो सेलर तो अभी भी रोक सकता है, सेलर तो रोक सकता है ना ट्रक को, अपने ड्राइवर को बोल देगा भैया वापिस आ जा। अब रेलवे वाले का है तो रेलवे वाले में जो हमने गुड्स जब रेलवे वाले को दे दिए हैं तो रेलवे वाले का काम क्या, डिलीवरी करना। जब डिलीवरी हो रही है, डिलीवरी के टाइम सेलर जो है रेलवे वाले को भी बोल सकता है कि भैया अभी गुड्स मत देना उसको, रोक सकता है वहां पे भी। तो ये अगर इंडिपेंडेंट है ना, इफ इट इज अ इंडिपेंडेंट पर्सन, इंडिपेंडेंट मीन्स बायर से बिलोंग नहीं करता है, तो स्टिल सेलर कैन आस्क द रेलवे कि भैया गुड्स को डिलीवर मत करना, गुड्स को रोक दो, अपने पास रख लो, मेरे पास वापस ले आइए। और वापस लाने का जो खर्चा होगा वो कौन उठाएगा? वो सेलर बियर करे, ठीक है। रास्ते में पता चल गया ना सेलर को, माना के रेलवे रेल में लोड हो चुके हैं, जाने वाले हैं, दिल्ली पहुंचने वाले, दिल्ली पहुंचते वक्त मैंने
अब वहां रेलवे के गोदाम में है, वहां पे मैंने फोन कर दिया, सेलर ने फोन कर दिया कि भाई गुड्स को बायर को मत देना, तो वहां पर जो है सेलर ऐसा कर सकता है, उसके प्रिंसिपल को बता दे या जिसके पास एक्चुअल पोजीशन में गुड्स है उसको बोल देता है, तो बिल्कुल रोके जा सकते हैं, तो वो स्टॉपेज इन ट्रांजिट कहलाएगा, लीन नहीं होगा वो। एंड द थर्ड वन इज बाय वेवर ऑफ द लीन, लीन का अधिकारी वेव कर दिया, किसने बायर सेलर ने कहा चल कोई बात नहीं तो गुड्स ले जा, वेव कर दिया, उसको विश्वास है कि पैसा आ जाएगा, ठीक है। और हमने 49 के 2 में एक बात और पढ़ी थी, 49 का 2 जो है, 49 के 2 में हमने पढ़ा था अगर प्राइस के लिए डिक्री पास हो चुकी है, तो डिक्री पास हो गई तब भी लीन का अधिकार बरकरार रहेगा, क्योंकि अभी डिक्री पास हुई है ना, पेमेंट तो नहीं आई ना, जब पेमेंट आ जाएगी डिक्री एग्जीक्यूट हो जाएगी देन ओनली लीन का राइट खत्म होगा। इज दैट क्लियर? हाँ जी बताइए, जल्दी से क्लियर है, लिख लीजिए। yes, तो अब आप मुझे बताइए, ये तो हमने बेसिक बातें पढ़ ली सेक्शन 49 में, इसको अगर और एक्सपेंशन हम देखें इसका, तो अल्टीमेटली राइट ऑफ लीन कब कब खत्म होता है? राइट ऑफ लीन जो है सेलर का वो कब कब खत्म हो रहा है? सबसे पहले अगर एक बात बताओ, राइट ऑफ लीन ऑफ अनपेड सेलर, अनपेड लिख देता हूं जरूर, अनपेड सेलर का अधिकार कब कब खत्म हो रहा है लीन करने का? अच्छा एक बात बताओ, अगर बायर पेमेंट कर दे तो, बायर इफ अ बायर पेज द प्राइस, तो लीन खत्म होगा नहीं होगा? हाँ जी, इफ द बायर पेज द प्राइस तो लीन खत्म हो जाएगा, जब पेमेंट दे दी तेरे को सेलर को तो मेरे गुड्स को छोड़ दे, रिलीज कर दे, और बाकी तो हम पढ़ ही चुके हैं, डिलीवरी टू कैरियर वाले को हमने डिलीवर दे दिए, बेली को दे दिए। तो ये हम किसके पॉइंट्स लिख रहे हैं, राइट ऑफ लीन किसका एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये इसी को, कि राइट्स ऑफ लीन कब खत्म हो जाता है, एक्सटिंग्विश लिख देते हैं, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट ऑफ लीन, कब खत्म हो जाएंगे राइट ऑफ लीन, यानी अनपेड सेलर अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा जब बायर ने पैसा दे दिया है, तो बायर ने जब पैसा दे दिया तो उसके गुड्स को रिलीज करना या डिलीवरी कर दी है, डिलीवरी टू दी गुड्स को डिलीवर कर दिया है सेलर ने कैरियर वाले को या बेली को। एक केस हम करते हैं, वेल्पी वर्सेस गिब्सन का केस था, वेल्पी वर्सेस गिब्सन इन द ईयर ऑफ 1847, बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है, आप मुझे इसके फैक्ट समझ के बताना कि क्या करेंगे आप इस केस में। यहां पर क्या हुआ, गुड्स जो थे वो डिलीवर किए गए शिपिंग एजेंट को, बायर के बायर्स शिपिंग एजेंट उसको गुड्स डिलीवर कर दिए सेलर ने, ठीक है। अब सेलर ने, बायर ने क्या करा था, इन गुड्स को अपने एट पुट देम ऑन द बोर्ड, इसने अपने बोर्ड पे बोर्ड भी कर लिए थे, यानी शिप पे अपने चढ़ा भी लिए थे, शिप पे चढ़ भी गए गुड्स, लेकिन गुड्स को वापस कर दिया गया, बायर ने गुड्स को रिटर्न कर दिया। क्यों रिटर्न कर दिया? क्योंकि उसकी पैकिंग ठीक नहीं थी, ठीक है, पैकिंग ठीक नहीं थी, एंड देयरफॉर द गुड हैज बीन रिटर्न फॉर द रीपैकिंग, रीपैकिंग के लिए गुड्स को वापस भेज दिया गया। अब यानी गुड्स किसके पास है, गुड्स का पोजीशन किसके पास है, सेलर के पास है पोजीशन, तो जब सेलर के पास पोजीशन था, अच्छा एक बात बताओ, इस सिचुएशन में सेलर कैसे ट्रीट होगा, सेलर के पास गुड्स हैं, गुड्स ऑलरेडी किसके पास जा चुके थे, बायर अपना उसका पोजीशन भी ले चुका था लेकिन रीपैकिंग के लिए वापस दे दिए, तो यहाँ पर ड्यूटी क्या है सेलर के, सेलर एज अ बेली ट्रीट होगा नहीं होगा? यस सर। तो आपने देखा था अभी बैरक में बेली भी लिखा था ना, एजेंट और बेली, तो बेली का तो कम से कम उसको टेक केयर तो करेगा ही गुड्स का।
अब मेरे को चलो पूरा केस सुनिए, उसके बाद बताना क्या करेंगे आप इस सिचुएशन में। रीपैकिंग के लिए वापिस आ गए, जब वो सेलर के पास थे तो उसी दौरान बायर जो है, बायर बिकम इंसॉल्वेंट, बायर का दिवालिया निकल गया इस दौरान, इंसॉल्वेंट हो जाता है, और सेलर जो है अभी भी अनपेड है, सेलर इज अनपेड, अनपेड सेलर है, अभी पैसा नहीं हुआ, गुड्स उसके पास आ चुके हैं, उस दौरान वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। नाउ सेलर बिकम अनपेड एजेंट, अनपेड सेलर, कैन अ सेलर एक्साइज इज राइट ऑफ लीन? बताइए जरा। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। सर एक बार तो पोसेशन जा चुका था बायर को, उसके बाद ही रिगेन द पोसेशन, तो क्या उस मोमेंट पर राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज किया जा सकता है या नहीं, ये तो सर मुझे भी डाउट है। तो यही तो इसका पेक्युलैरिटी है इस केस की, भाई गुड्स घूम फिर के तो सेलर के पास ही आ गए, सेलर अनपेड है तो लीन लगा सकता नहीं लगा सकता, जबकि ऑलरेडी पोजेशन भी दे चुका है, ऑनरशिप तो पहले ट्रांसफर हो गई थी। फैक्ट समझ में आ गए अच्छे से बाकी सबको? तो कोर्ट ने इस केस में कहा जब एक बार ऑलरेडी पोजेशन दिया जा चुका है तो वहां पे राइट ऑफ लीन जो है वो खत्म हो जाता है, राइट ऑफ लीन खत्म। माना कि गुड इसके पास वापस आ चुके हैं, रिटर्न हो चुके हैं, नाउ इज टेकिंग केयर ऑफ द गुड एज अ बेली, दो ही एज अ इन द कैपेसिटी ऑफ द बेली आल्सो ही कैन रिटेन द गुड्स, बट नॉट इन दिस केस। इस केस में तो पोजेशन जा चुका है ना, बेली तब होता है ये वाली सिचुएशन में, तब ये रिटेन कर सकता था। आपको याद होगा जब ये बायर कहता है मैं गुड्स ले जाऊंगा थोड़े दिन बाद आके, आप अपने पास ही रखे, वेयर हाउस में रखिए, तब अगर वो गुड्स का पैसा नहीं पे करता है बायर, तो डेफिनेटली वो बेली इन द सेलर इन द कैपेसिटी ऑफ द बेली कैन रिटेन द गुड्स। एम आई क्लियर? बताइए जल्दी से। तो कोर्ट ने कहा जैसे ही उसने डिलीवरी कर दी, शिपिंग एजेंट को दे दी, उसने अपने बोर्ड में डाल लिए, आई मीन द बायर ने अपने शिपिंग एजेंट को, यानी बोर्ड्स पे गुड्स लोड हो चुके हैं, उसको पोजेशन मिल चुका है, दैट मींस दैट पॉइंट ऑफ टाइम द राइट ऑफ लीन हैज बीन एक्सटिंग्विश, खत्म हो गया। सर यहाँ पर फिर ये देखना पड़ेगा ना कि सेलर ने जो डिलीवर किए थे राइट ऑफ डिस्पोजल उस टाइम रिजर्व करा था या नहीं किया था। देखो एक चीज और बता दो, पहले एक पॉइंट समझ ले, राइट ऑफ डिस्पोजल तो बड़ा आसान सा है, राइट ऑफ डिस्पोजल ठीक है, इसमें अल्टीमेटली अगर ये सेलर गुड्स देने से मना करता है तो वो गलत होगा, ही कैन नॉट रिटेन द गुड्स इन दिस केस। अब आप कह रहे हैं राइट ऑफ डिस्पोजल, राइट ऑफ डिस्पोजल तो तब तक एक्साइज होगा जब गुड्स स्टॉपेज होते हैं इन ट्रांजिट में, ड्यूरिंग द ट्रांजिट ही तो होगा स्टॉपेज, कि भैया उसको गुड्स मत दियो, सेलर ने अपने ही ट्रक्स में गुड लोड करवाए। देखो एक चीज समझना, अगर ये ट्रक किसका है, अगर ये ट्रक बायर का है तो भैया उसी वक्त पोजेशन गया, उसी वक्त पोजेशन गया। अगर ये ट्रक बायर सेलर का है तो सेलर अपने ड्राइवर को तो जब मर्जी कह सकता है ना गुड्स को डिलीवर करने से पहले, भैया इसको रोक दियो, इसका मतलब राइट ऑफ डिस्पोजल जो है वो अभी भी सेलर ने अपने पास रखा है, ठीक है, तो ये किसी भी टाइम रोक सकता है, ड्यूरिंग द ट्रांजिट रोकेगा नहीं रोकेगा, बिल्कुल रोक देगा। अब इस सिचुएशन में चाहे वो इंसॉल्वेंट हो या ना हो इससे क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि भैया जब तक वो पैसा ना दे, क्या पता वो इंसॉल्वेंट है, वो इंसान सॉल्वेंट तो है लेकिन तब भी पैसा देने से मना कर रहा है कि मैं नहीं दे रहा, तब भी तो ट्रक को वापस लेके आएंगे हम, हमें उस इंसान को अपने गुड्स क्यों देंगे जो इंसान पैसा नहीं दे रहा है, ट्रक आके खड़ा हो गया है और पैसा नहीं दे रहा है, तो क्या सामान उतारेगा ड्राइवर, सामान उतारने देगा ड्राइवर, बिल्कुल नहीं। हाँ जी ठीक है यामिनी, बताइए और कोई डाउट है तो। ठीक है सर, बाकी सबको कैसे समझ में आ गया सिचुएशन में, ऑलरेडी पोजेशन जा चुका है तो अगर वो रिफ्यूज करता है डिलीवरी ऑफ गुड्स को नहीं देता है तो वो गलत होगा। आगे चलते हैं,
ठीक है, इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। अब ये वही है तीनों चीजें जो मैंने अपने ऑलरेडी सेक्शन 49 में जो लिखाई है। अगर बायर ऑब्टेनिंग द पोजेशन ऑफ द गुड्स, अगर बायर ऑब्टेन ही कर चुका है पोजेशन ऑफ द गुड्स, तो वहीं पे लीन का अधिकार खत्म हो जाता है। बायर पोजेशन ले चुका है, ठीक है, बायर ऑब्टेनिंग द पोजेशन ऑफ द गुड्स, पोजेशन ऑफ गुड्स, चाहे बायर हो या बायर का एजेंट हो, एनीबडी कैन बी। एक इस पे भी मैं केस करा देता हूं आपको। केस था एड्यू, एड्यूलजी, तो नाम बड़े डिफिकल्ट है इनके, एड्यूलजी वर्सेस कैफे जॉन ब्रदर्स, कैफे जॉन ब्रदर्स 1943। अब इस केस में हुआ क्या था, जैसे एक रेफ्रिजरेटर को बेचा गया, रेफ्रिजरेटर को बेचा गया, इट हैज ऑलरेडी बीन सोल्ड, और इसकी डिलीवरी भी हो चुकी, बायर के पास जा भी चुकी। जब बायर के पास जा चुकी तो कुछ दिन बाद वो सही से काम नहीं कर रहा था, ये फ्रिज जो है रेफ्रिजरेटर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो उसके कुछ पार्ट्स को लाकर वापस सेलर को दिया गया फॉर द रिपेयरमेंट, ठीक है, सेलर को रिपेयर के लिए वापस दे दिया गया। तो क्या अब इस दौरान सेलर जो है लीन एक्साइज कर सकता है इफ द सेलर इज अनपेड? क्या अनपेड सेलर इस दौरान जब इसके पास ये वापस आ गया है फ्रिज, उसे कुछ पार्ट्स आ गए, कैन अ अनपेड सेलर एक्साइज इज राइट ऑफ लीन? आंसर इज नो। एक बात बताइए, जैसे सपोज कीजिए जैसे जनरली हम जब टीवी वगैरह लेने जाते हैं शोरूम से, तो कभी हम कुछ जो गुड्स होते हैं वो हम वैसे लेते हैं, इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, चीजें घर पे आके खराब हो जाती है, वापस कंपनी जाती है, कंपनी जो है क्या उसको रिटेन कर लेगी अगर हमने इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं पे किया? चलो इंस्टॉलमेंट तो इंस्टॉलमेंट में हो सकती है पेमेंट, सपोज करो मैं पैसा देने से मना कर देता हूँ, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो क्या जो मैन्युफैक्चरर है मेरे टीवी को रोक के रख सकता है? आंसर इज नो, उसके पास राइट ऑफ लीन नहीं होगा। बट व्हाट ही कैन डू, मेरे टीवी को मेरे घर पे पहुंचा, मेरे पे मुकदमा डालना पैसों के लिए, सूट फॉर द प्राइस, एम आई क्लियर? सूट फॉर द प्राइस डाल, समझ में आ रहा है? तो बायर के खिलाफ वो सूट फॉर प्राइस तो डाल ही सकता है प्लस इंटरेस्ट, लेकिन क्या वो रिटेन कर सकता? आंसर इज नो, आंसर इज नो, अनपेड सेलर जो है रिटेन नहीं कर सकता उस दौरान जब पोजेशन दिया जा चुका है। समझ में आ गया केस? जी सर, यस सर। फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है इसका? वेवर, वेवर हम देख ही चुके हैं, जब उसने खुद ही अपना टाल दिया अधिकार, चलो कोई बात नहीं, वेव कर दिया है, ठीक है। इट कैन बी एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, एक्सप्रेसली भी हो सकता है और इम्प्लाइडली भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है, इसमें आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वेव कर दिया राइट, कि ठीक है मैं लीन एक्साइज नहीं कर रहा हूं, आप ले जाइए गुड्स। एक और फिफ्थ पॉइंट है, डिस्पोजल ऑफ द गुड्स बाय द बायर, डिस्पोजल ऑफ द गुड्स बाय बायर, इंपॉर्टेंट है ये, सेक्शन 53 है ये। जब बायर ने, यहां पर एक सेलर है, एक बायर है और एक थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी को थर्ड ही लिख देता हूं। सेलर ने बायर को गुड्स बेचे हैं और इसी दौरान अभी ए के पास ही पोजीशन है, यानी सेलर के पास ही पोजीशन, गुड्स की ऑनरशिप तो ट्रांसफर हो गई है बी के पास, और बी ने फर्दर इसको सब सेल कर दिया है, सब सेल थर्ड पार्टी को। जब तक ए को पैसा नहीं मिलता है, जब तक ए को पैसा नहीं मिलता है, क्या ए, क्या जो ए है रिटेन कर सकता है गुड्स इवन दो द सब सेल हैज बीन डन बाय बी टू थर्ड पर्सन? कर सकता है क्या? द आंसर इज यस, तब भी वो रिटेन कर देगा। अब ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी आके ए के पास केस करेगा, भाई गुड्स मेरे को बेचे जा चुके हैं, पैसा दे मेरे को, गुड्स दीजिए, ऐसा नहीं होगा। बट डेफिनेटली गुड्स कैन बी डिलीवर टू द थर्ड पार्टी, ए डिलीवर कर सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी पेमेंट कर दे ए को,
ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट तो इन दोनों के बीच में हुआ था ना, ए और बी के बीच में, तो बी की लायबिलिटी है पे करने की ए को, लेकिन बी ने क्या करे, वो थर्ड पार्टी को सेल कर दिए, थर्ड पार्टी हूसोएवर इट इज, सब सेल कर दिए, तो ए का अधिकार रिटेन का तब भी बरकरार रहेगा चाहे बी सी को बेच दे, चाहे बी डी को बेच दे, या 10-15 लोगों को बेच दे, तब भी वो रिटेन करेगा गुड्स को जब तक उसकी पेमेंट नहीं मिल जाती है। इज दैट क्लियर? यस सर। बट इसके एक्सेप्शन भी हम पढ़ेंगे जब सेक्शन 53 पे आएंगे हम। क्या पता इसने कंसेंट दे दी हो, कंसेंट का मतलब क्या हुआ, वेव हो गया ना एक तरीके का। क्या पता इसने कंसेंट दे दी हो बी को, भैया तू चाहती जिस मर्जी को बेच, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं रिटेन का राइट टू रिटेन का अधिकार नहीं रिटेन नहीं करूंगा गुड्स। कंसेंट अगर इसने दे दिया तो दैट कैन बी डन, अदरवाइज ए का अधिकार तब भी बरकरार रहेगा चाहे बी कितने भी लोगों को बेच दे सामान। तो सर यहाँ पे ये जो राइट ऑफ लीन है ये एक्सटिंग्विश नहीं हुआ यहाँ पे सब सेल में, सिचुएशन में नहीं होता है, लेकिन अगर उसने कंसेंट दे दी है, बायर सेलर खुद ही कह रहा है कोई बात नहीं, तब खत्म हो जाएगा, तब लीन नहीं कर पाएगा वो, ठीक है, ये हमारा हो जाता लीन कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे स्टॉपेज इन ट्रांजिट, स्टॉपेज इन ट्रांजिट दूसरा अधिकार क्या है अनपेड सेलर का, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। गुड्स को रोका जाना, रास्ते में रोका जाना, यानी जैसे ही आपका लीन खत्म हो रहा है, लीन जहां पर एंड हो रहा है, लीन एंड हो रहा है, कब होता है लीन एंड, जब आप उस चीज को डिलीवरी के लिए डाल रहे हैं, गुड्स को फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी टू द बायर, बायर के पास जैसे ही भेजने के लिए गुड्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो समझ लो आपका लीन तो खत्म हो रहा है, लेकिन क्या स्टार्ट हो रहा है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट स्टार्ट हो रहा है यहां से। सो वेयर द राइट ऑफ लीन एंड्स स्टॉपेज इन ट्रांजिट बिगिंस। एम आई क्लियर? समझ में आ गई बात? यस सर। तो सेक्शन 50, 51 एंड 52 इसी से संबंधित है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। गुड्स को हमने लोड करवा दिया है, अब यहां से यानी सेलर से निकल चुके हैं गुड्स और वो जा रहे हैं बायर के पास, दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, ठीक है, दिल्ली से कहां जा रहे हैं मुंबई, जब तक ये यहां पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं गुड्स दैट इज कॉल्ड ट्रांजिट हो रहा है। इस दौरान मुंबई पहुंचने से पहले या मुंबई पहुंच भी गए हैं तो बायर को पोजेशन देने से पहले जो सेलर है वो गुड्स को रोक सकता है, स्टॉप कर सकता है, बशर्ते बायर जो है यहां पर बायर इंसॉल्वेंट हो गया है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन ओनली बी डन इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट ठीक है, सिर्फ इंसॉल्वेंट के सिचुएशन में होगा। एक अलग और सिचुएशन है जब वो राइट ऑफ डिस्पोजल जब रखता है, वो अलग पॉइंट है इसलिए मैं यही समझा रहा हूं, राइट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल बाय सेलर, सेलर ने अपने पास रखा है सेक्शन 25 में, उसका उससे हमें सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट से मतलब नहीं है। जब एक इंसान पैसा ही नहीं दे रहा है, ट्रक मेरा आके खड़ा हो गया आपके घर के पास, ठीक है, ये मेरा ट्रक है, इसमें गुड्स लोड है, बायर के पास आके खड़ा हो गया, बायर पेमेंट नहीं दे रहा है, तो मैं टायर इस ट्रक को वापस ले जाऊंगा अपने पास, सेलर के पास ही आ जाएगा ट्रक, ये अलग कॉन्सेप्ट है, इसको इसके साथ क्लब मत करना, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं अभी सेक्शन 50 की। एम आई राइट? जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट बिल्कुल कर सकता है वो, ठीक है, एक बार बैरक पढ़ लेते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट द स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ओके, स्क्रीन विजिबल है? स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट व्हेन द बायर ऑफ द गुड्स बिकम इंसॉल्वेंट। अंडरलाइन कर लेना, इंसॉल्वेंट लिखा और कुछ नहीं लिखा है। द अनपेड सेलर हु हैज पार्टेड विद द पोजीशन, जहां पे वो पोजीशन छोड़ चुका है, पार्टेड अलग हो चुका है पोजीशन से गुड्स का, हैज अ राइट ऑफ स्टॉपिंग देम इन द ट्रांजिट, तब भी उसके पास
स्टॉपेज का अधिकार होता है, स्टॉपिंग देम इन ट्रांजिट में रोका जा सकता है, दैट इज टू से ही में रिज्यूम पोजीशन, वापिस मंगा सकता है पोजीशन को ऑफ द गुड्स, और रिज्यूम को हम या तो रिज्यूम बोल देंगे या रीगेन बोलेंगे, राइट ऑफ राइट टू रीगेन, वापिस मंगा लेगा गुड्स, जैसे मैंने भी ट्रक घुमाया था ना, तो वापिस आएगा सेलर के पास, ऑफ द गुड्स एज लॉन्ग एज दे आर इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिटिंग, जब तक वो ट्रांजिट में है, जब तक वो ट्रांजिट में तब तक अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकता है। अगर ट्रांजिट खत्म हो गया, अगर ट्रांजिट खत्म हो गया तो ये राइट भी खत्म हो जाएगा, एंड मे रिटेन देम, जब तक रख सकता है अपने पास, अंटिल द पेमेंट ऑफ द टेंडर ऑफ द प्राइस हैज बीन पेड, जब तक उसका पेमेंट ना मिल रहा है। बात समझ में आ गई? देखो इंपॉर्टेंट क्या है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब तक बरकरार रहेगा, जब तक वो कोर्स ऑफ ट्रांजिट में है, जैसे ही कोर्स ऑफ ट्रांजिट खत्म, उसका राइट ऑफ स्टॉपेज खत्म। एम आई क्लियर? यस सर। लेकिन अभी होता क्या है कोर्स ऑफ ट्रांजिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके 7 पॉइंट दे रखे हैं, 7 कंडीशन दे रखे हैं कि कोर्स ऑफ ट्रांजिट को समझना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, और क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले आप लोग बताइए क्यों इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजिट को समझना। हाँ जी, जल्दी से बताइए व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिट। ये 7 जो सबसेक्शंस हैं इसके, ये पढ़ेंगे हम, बताइए क्यों इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि इसी पर डिपेंड करता है ना whether the seller can exercise his right of stoppage in transit, और किस एक्सटेंट तक, कहां तक एक्सरसाइज कर सकता है, किस हद तक, किस लास्ट लिमिट तक जो सेलर है अपने गुड्स को रोक सकता है डिलीवरी होने से पहले, ठीक है, बायर के पास पोजीशन दे जाने से पहले वो रोक सकता है, और कहां उसका रोकने का अधिकार खत्म हो जाता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्लियर है, एक एक करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट क्या कहता है, द गुड्स आर डीम्ड टू बी इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिट, जब वो माने जाएंगे ट्रांजिट में है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांजिट, From the time when they are delivered to the carrier or other belly, जब carrier वाले को या belly को दे दिए हैं for the purpose of transmission to the buyer, carrier वाले को दे दिया, belly को दे दिए, truck में load हो गए हैं, यानी अब ये क्या है, course of transmit में है, अभी goods जा रहे हैं, अभी truck में है, अभी खत्म नहीं हुआ है, transit खत्म नहीं हुआ है, for the purpose of transmission to the buyer. Until the buyer, लेकिन कब खत्म हो जाएगा ट्रांजिट, until the buyer or his agent in that behalf takes a delivery of them, जैसे ही डिलीवरी दी वैसे ही हमारा ट्रांजिट खत्म, कोर्स ऑफ ट्रांजिट खत्म, क्या अब गुड्स रोके जा सकते हैं, द आंसर इज नो, क्योंकि अब तो गुड्स बायर को दे दिए, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। अब इन सातों में यस बोलना पड़ेगा, नहीं तो नो बोलिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? यस सर। सेकंड देखते हैं, इफ द बायर और हिज एजेंट इन दैट बिहाफ ऑब्टेन्स डिलीवरी ऑफ द गुड्स बिफोर देयर अराइवल एट द अपॉइंटेड डेस्टिनेशन, द ट्रांजिट इज एट एन एंड, खत्म हो जाता है ट्रांजिट। इसको समझते हैं, गुड्स कहां से कहां जाने थे, गुड्स जाने थे दिल्ली से मुंबई, गुड्स का फाइनल डेस्टिनेशन क्या था, मुंबई। अब बीच में बायर अपना ट्रक ले आता है कहां पर, गुजरात में लाके खड़ा कर देता है और कहता है सेलर से, सेलर या सेलर के एजेंट से, भैया तुम मुंबई तक क्यों जाओगे, यहीं पे दे दो मुझे गुड्स। अब वहां पे सूरत में सारे के सारे गुड्स अनलोड करके सेलर के ट्रक से बायर के ट्रक में डाल दिए। अब आप मुझे बताइए ट्रांजिट खत्म हुआ या नहीं हुआ? यस सर। अब एक बार बताइए, सूरत से मुंबई तक जब ट्रक जा रहा होगा, Can a sailor stop the delivery? No. बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी गुड्स का ट्रांजिट एंड हो गया है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। थर्ड पढ़ते हैं, इफ आफ्टर द अराइवल ऑफ द गुड्स एट द अपॉइंटेड डेस्टिनेशन, गुड्स कहां पहुंच चुके हैं, गुड्स पहुंच चुके हैं जहां पे जाने थे, दिल्ली से मुंबई जाने थे, मुंबई पहुंच गए हैं, The carrier or other belly acknowledges, यहाँ लिखना acknowledges, acknowledge पर underline करना, acknowledge to the buyer or his agent that he holds the goods on his behalf. अब वो फोन करता है, सेलर ने मुंबई के पोर्ट तक गुड्स को भिजवा दी है,
या मुंबई में कोई भी जगह जहां पे गुड्स का डिलीवरी होनी थी वहां तक पहुंच गए हैं, वहां पर मेरा ही एजेंट, वहां पे मेरा ही एजेंट, मेरा ही बेली बायर को फोन करता है कि सर मैं आपके गुड्स ले आया हूं और अब मैं जो गुड्स होल्ड कर रहा हूं वो आपके बिहाफ पे कर रहा हूं। जैसे ही उसने ये कहा तो समझ लीजिए गुड्स का जो ट्रांजिट खत्म हो गया है। अब जो वो बेली है, बेली वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहा, वो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। तो बायर को मान लीजिए डिलीवरी हो गई है, ठीक है, एक्नॉलेज करता है, यानी जो क्या, अब सपोज करो ये तो चलो मैंने बहुत थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम्पल दिया, अब ये रेलवे की तरह मैंने सेलर ने रेलवे के जरिए आपने गुड्स को डिलीवर कर दिया, रेलवे के वहां पे पहुंच गए हैं। अब रेलवे के गोदाम में से फोन जाता है बायर के पास, रेलवे के गोदाम से बायर के पास फोन जा रहा है कि हम आपका गुड्स आ गए, आप आके ले जाइए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ट्रांजिट खत्म, अब ये गुड्स हो गए बायर के पास चले गए। मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता बींग अ सेलर, आई कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ स्टॉपेज, ठीक है। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट हो चुकी है ना, एक्नॉलेजमेंट टू द बायर और हिज एजेंट दैट ही होल्ड्स अ गुड्स ऑन हिज बिहाफ, कि मैं आपके बिहाफ पे गुड्स होल्ड कर रहा हूँ एंड कंटिन्यू इन द पोजीशन ऑफ देम एज अ बेली फॉर द बायर, ठीक है, बेली फॉर द बायर और हिज एजेंट। द ट्रांजिट इज एन एंड एंड इट इज इमेटीरियल दैट द फर्दर डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स मे हैव बीन इंडिकेटेड द बायर, चाहे अब उसके बाद बायर उसको कहीं पे भी लेके जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जैसे एक्नॉलेजमेंट हो गया दैट इज सफिशियंट इन इटसेल्फ। द फोर्थ वन इज इफ द गुड्स आर रिजेक्टेड बाय द बायर, बायर ने मना कर दिया मैं गुड्स नहीं ले रहा हूं, एंड द कैरियर और अदर बेली कंटिन्यूज इन द पोजीशन ऑफ देम, और तब भी जो गुड्स हैं वो अभी भी पोजीशन में किसके पास है, बेली के पास या कैरियर वाले के पास है। द ट्रांजिट इज नॉट डीम्ड टू बी एन एंड, ट्रांजिट खत्म नहीं होता है तब भी खत्म नहीं होगा, बायर ने मना कर दिया तब भी खत्म नहीं होगा, सेलर ने मना कर दिया तब भी खत्म नहीं होगा, दोनों ने मना कर दिया अभी भी कहां पे गुड्स पड़े हैं, गोदाम में पड़े हैं, किसके, रेलवे के गोदाम में पड़े हैं, ट्रांजिट खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। ट्रांजिट इज नॉट डीम्ड टू एन एंड, और ऑफ कोर्स ये बात है वहां से रेलवे से कौन मंगा सकता है, वापिस रेलवे से गुड्स मंगा सकता है सेलर, यानी ट्रांजिट अभी भी बरकरार है। सेलर फोन करके कहेगा मना तो उसने कर दिया, चलो मैंने भी मना कर दिया, तो दो दिन बाद उसको लगा यार गुड्स तो वहां पड़े हैं बेकार हो जाएंगे, तो एक काम करो फोन करके रेलवे को बोलता है वापिस ले आइए, रेलवे जब वापिस गुड लोड करेगा वापिस दिल्ली भेजेगा तो उसका खर्चा उठाएगा सेलर। फिफ्थ कहता है व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द शिप चार्टेड बाय द बायर, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, चार्टेड बाय द बायर, यानी जो शिप है वो किसका है, बायर का, उसमें गुड्स जैसे ही लोड हो जाएंगे तो वहीं पे मेरा ट्रांजिट खत्म हो जाएगा, सेलर का अधिकार खत्म। इट इज अ क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस वेदर दे आर इन द पोजीशन ऑफ द मास्टर एज अ कैरियर और एज अ एजेंट ऑफ द बायर। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, बायर ने तो वो खरीदा है शिप, चार्टेड किया है, किराए पे लिया है, लेकिन क्या अभी भी जो कंट्रोल है वो मास्टर यानी जो शिप वाले का है या एजेंट का है, एजेंट ऑफ द बायर। अगर उसका पूरा कंट्रोल है बायर का, अगर बायर का ही ट्रक है, बायर ने ही चार्टर्ड किया, बायर का ही सारा कंट्रोल है, तो वहां पे ट्रांजिट बिल्कुल खत्म हो जाता है। बट स्टिल इवन दो इट इज चार्टर्ड बाय द बायर बट दैट इज इन द पोजीशन ऑफ द मास्टर एज अ कैरियर, कैरियर मीन्स इंडिपेंडेंट, कैरियर वाले ने जो है कि एज अ इंडिपेंडेंट पोजीशन लिया है, That means अभी भी ट्रांजिट बरकरार रह सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। इसका सिंपल मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था ना, जैसे सपोज ट्रक किसका है, अगर बायर का ट्रक है तो उसी वक्त खत्म हो जाता है। प्रैक्टिकली बात होता है बायर का ट्रक है, गुड्स सेलर ने लोड करा दिए, वहीं पे पोजीशन खत्म, वहीं पे ट्रांजिट भी खत्म हो गया, उसका अधिकार स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं कर सकता। बट सपोज अभी सेलर का कंट्रोल है अगर उस पे, बायर के ट्रक पे भी, बायर के चार्टर्ड शिप पे भी, तो रोका जा सकता है ट्रांजिट। सिक्स वन, वेयर द कैरियर वाला जो है और अदर बेली रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर, अब यहाँ पे गलती किसकी है, कैरियर वाले की या बेली की, जो सेलर के हैं उन्होंने मना कर दिया कि डिलीवरी नहीं होगी गुड्स के टू द बायर को और इज एजेंट, ट्रांजिट इज डीम टू बी एन एंड, तो ट्रांजिट उसी वक्त खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे बायर कितने दिन वेट करेगा, बायर को वेट थोड़ी ना करना काफी लंबे समय, डिफॉल्टिंग पार्टी तो बेलर बेली है और कैरियर वाला है, तो उनकी गलती को
बायर क्यों सफर करे, ठीक है। एंड अल्टीमेटली द लास्ट वन इज वेयर द पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैज बीन मेड टू द बायर, जब पार्ट डिलीवरी गुड्स हो तो चुकी है, पार्ट डिलीवरी हो चुकी है बायर को और इस एजेंट को, बट जो कुछ बाकी बचा हुआ गुड्स है अभी भी रोका जा सकता है ट्रांजिट में, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल अगर दो तरीके से गुड्स की डिलीवरी हो रही है, मैंने आपको बताया 100 बेल्ट्स ऑफ कॉटन जाने थे, 100 बेल्ट्स ऑफ कॉटन तो जा चुके हैं, वो पहुंच चुके हैं, उसको नहीं रोका जा सकता, लेकिन अभी 50 अभी भी रास्ते में है तो उसको रोका जा सकता है। लेकिन अगर पूरा का पूरा इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, अनलेस सच पार्ट डिलीवरी हैज बीन गिवन इन अ सर्कमस्टेंसेस एज टू शो एन एग्रीमेंट टू गिव अप द पोजीशन ऑफ द होल ऑफ द गुड्स, तो ये मान लिया जाएगा कि पूरे की डिलीवरी हो गई। अगर गिव अप वाली बात है कि भैया 50 जा चुके हैं, इस 50 को भी कंसिडर होगा कि ये भी डिलीवर हो चुके हैं, देन इवन दो द 50 कैन नॉट बी स्टॉप्ड, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कई बार दो रास्तों से चीजें आ रही है, एक आ रहा है दिल्ली के रास्ते से, एक आ रही है किसी और रास्ते से, तो अगर दिल्ली वाले गुड्स पहुंच गए हैं तो वो तो रोके नहीं जा सकते, पर मुंबई वाले रास्ते से अगर जो चीजें आ रही है दैट कैन बी स्टॉप्ड। तो जो अभी तक डिलीवर नहीं हुए, जिसके पास कब्जा नहीं हुआ है बाहर का, दैट कैन बी स्टॉप्ड। हाउ स्टॉपेज इन द ट्रांजिट इज इफेक्टिव, अब यहाँ पर पढ़ेंगे कैसे स्टॉपेज इन ट्रांजिट रोकी जा सकते। इसके दो तरीके हैं, या तो सपोज रेलवे वाला है, अगर रेलवे का एग्जाम्पल लेते तो रेलवे वाले को मैं फोन कर दूं कि भैया गुड्स की डिलीवरी मत देना, गुड जिसके पोजेशन में उसको डायरेक्ट फोन किया जाए कि भैया डिलीवरी मत दियो बायर को। या दूसरी चीज हो सकती है, मैं रेलवे के प्रिंसिपल को फोन कर दूं जो रेलवे को संभाल रहा है, जो गुड्स की डीलिंग करता है, सारा कार्गो वगैरह का ध्यान रखता है, मैं उसको कॉल कर दूं, वो रुकवा देगा, अपने एजेंट को बोल देगा इसको डिलीवरी नहीं करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से रोका जा सकता है। और अगर मेरा ही एजेंट लेके जा रहा है, सेलर का एजेंट लेके जा रहा है, तो उसे मैं किसी भी टाइम रोक सकता हूँ। तो हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज इफेक्टिव, द अनपेड सेलर मे एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट ईदर बाय टेकिंग एक्चुअल पोजीशन ऑफ द गुड्स। अब ऑफ कोर्स ये बात है, वहां पे सेलर पहुंच गया, सेलर ने अपने ट्रक में लोड करे वापस ले आया तो रुक जाएगा माल, एक्चुअल पोजीशन ले लिया, या बाय गिविंग अ नोटिस टू हिज क्लेम टू द कैरियर और अदर बेली, कैरियर वाले को कह दिया और बेली को कह दिया कि भैया डिलीवरी मत करियो। In whose possession the goods are, जिसके कब्जे में गुड्स है, such notice may be given either to the person, या तो उस इंसान को दिया जा सकता है नोटिस, एक्चुअल पोजिशन जिसके पास गुड्स है, ठीक है, मैंने डायरेक्ट एजेंट को ही फोन कर दिया, रेलवे के एजेंट को ही फोन कर दिया, भैया गुड्स की डिलीवरी मत दियो, ठीक है, और टू हिज प्रिंसिपल, या मैंने उसके प्रिंसिपल को बोल दिया, उसके मालिक को बोल दिया एजेंट के। In the later case, the notice to be effectual shall be given at such time and in such circumstance the principal, by exercising reasonable diligence, may communicate to his servant. Of course, ये बात है, ऐसा ना हो कि भैया principal जो है, मैं इतना late notice दे रहा हूँ कि principal already deliver कर चुका था. There must be a reasonable opportunity होनी चाहिए principal के पास कि वो अपने servant को call कर सके, communicate कर सके, ठीक है, ताकि वो delivery ना दे buyer को. लास्ट इसका जो सबसेक्शन 2 है 52 का, व्हेन अ नोटिस ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज गिवन बाय द सेलर टू द कैरियर और अदर बेली इन द पोजीशन ऑफ द गुड्स, ही शैल री डिलीवर द गुड्स। अब जब मैंने कहा भाई गुड्स रोक देना, देना मत बायर को, तो वो गुड्स जाएंगे का, अल्टीमेटली जब मैंने माल को रुकवा दिया है तो सेलर को वापस मांगने पड़ेंगे वो गुड्स, तो ही शैल री डिलीवर द गुड्स और अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द सेलर। या तो गुड्स सेलर कह के भाई वापस मेरे पास दिल्ली ले आइए, या सेलर कह सकता है काम करो आप मुंबई में ही, मेरा कोई गोदाम है वहां डाल देना, तो एक्सपेंसिव, लेकिन जितना भी खर्चा आएगा रेड डिलीवरी का शैल बी बॉर्न बाय द सेलर, सारा खर्चा सेलर ही बेयर करेगा। इज दैट क्लियर? हाँ जी, यस सर। ये 7 जो पॉइंट है, यहाँ से कभी भी एमसीक्यू क्वेश्चन किसी भी पॉइंट पे पूछा जा सकता है, तो कीप इन माइंड। अब इनको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या चीजें, एक आधा केस लॉज अगर बनता है तो। सेक्शन 50, 51 एंड 52 हमने पढ़ा। 50 किससे डील करता है? स्टॉपेज इन ट्रांजिट। किस सिचुएशन में रोका जा सकता है? जब वो इंसॉल्वेंट हो जाए। 51 में हमने क्या पढ़ा? ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट।
इसमें हमने सात बातें पढ़ी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 52 में क्या पढ़ा हमने? नोटिस पढ़ा, कैसे कैसे इफेक्टिव होगा, कैसे रोका जाएगा। तो या तो इसमें हमने दो बातें पढ़ी, या तो एक्चुअली पोजीशन ले ले, एक्चुअल पोजीशन ऑफ द गुड सेलर ले ले जाके, या नहीं ले पाएगा तो भैया नोटिस दे दे। नोटिस किसको दे सकता है? या तो एजेंट को दे दे नोटिस, डायरेक्ट बता दे, या उसके प्रिंसिपल को बता दे। लेकिन जब वो प्रिंसिपल को बताएगा तो प्रिंसिपल को रीजनेबल टाइम दिया जाना चाहिए। रीजनेबल टाइम फॉर व्हाट? रीजनेबल टाइम देगा कि भैया जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अपने एजेंट को बता सके। और हमने क्या पढ़ा थर्ड पॉइंट इसमें? ये पढ़ा कि भाई अगर री डिलीवरी होगी, जहां पे गुड्स को रखा गया है वहां से अब कहीं और ले जाना है, एज पर द डायरेक्शन ऑफ द सेलर, या तो सेलर ने जहां से आए थे वहीं भेजो, या सेलर के डायरेक्शन पे, तो उसका जितना भी एक्सपेंसेस होगी दैट हैज टू बी बॉर्न बाय, तो उसको सेलर बेयर करेगा। ठीक है, सेलर खर्चा उठाएगा उसका। तो ये हमने तीनों पॉइंट पढ़ लिए यहाँ पर। इसमें सात पॉइंट हमने पढ़ लिए, बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट इंसॉल्वेंट के सिचुएशन में होता है, अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया है बायर तो उसको वापस वो गुड्स को रोक सकता है। ठीक है, और क्यों रोक रहा है यहाँ पर? क्योंकि भाई ऑफ कोर्स बात है, इंसॉल्वेंट इंसान को तो गुड्स हम देंगे नहीं, जब उसका दिवालिया निकल गया है तो हम उसको क्या गुड्स देंगे? पैसा तो फिर आएगा नहीं, तो रोक दिया जाए। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी स्टॉपेज सेक्शन 51 को अप्लाई करने से पहले? व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स? व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स? क्या क्या चीजें, क्या क्या चीजें देखनी पड़ेगी अगर आपको सेक्शन 50 इंप्लीमेंट करना है तो, राइट एक्सरसाइज करना है सेलर को? तो सेलर क्या होना चाहिए पहले? सेलर मस्ट बी अनपेड, अनपेड सेलर होना चाहिए। सेकेंड, बायर का क्या होना चाहिए? बायर को क्या होना चाहिए? बायर इंसॉल्वेंट हो जाना चाहिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांजिट, या उससे पहले हो गया, पता चल गया। ठीक है, द गुड मस्ट बी इन द कोर्स ऑफ, गुड्स कैसे होने चाहिए? गुड्स मस्ट बी इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट होने चाहिए, इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट, इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है? इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट हमने सेवन बातें पढ़ी। फोर्थ हो सकता है अगर उसने गुड्स जो है विदाउट रिजर्वेशन ऑफ राइट होना चाहिए ऑफ डिस्पोजल, विदाउट, अगर विदाउट रिजर्वेशन ऑफ राइट है, विदाउट रिजर्वेशन ऑफ डिस्पोजल, विदाउट रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, अगर सेलर ने इस राइट को अपने पास नहीं रखा है तो क्या वो रोके जाएंगे? तो नहीं होंगे, यानी वेव कर रहा है वो अपने अधिकार में, इज वेविंग इज राइट। ठीक है, यानी उसको रोकने का अधिकार अगर है तो बिल्कुल बरकरार होगा। ही कैन स्टॉप द गुड्स, उसके पास राइट होना चाहिए उस चीज को रोकने का, देन ओनली ही कैन एक्साइज इट। इफ इज ऑलरेडी वेव्ड इट, ही कैन नॉट स्टॉप इन द ट्रांजिट। एम आई क्लियर? यस सर। अब एक दो केसेस हैं वो देख लेते हैं, इनसे संबंधित जो हमने सेवन पॉइंट पढ़े हैं ना, इससे संबंधित केस लॉज हैं वो देख लेते, ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था डिलीवरी टू द बायर, हमने सेक्शन 51 पढ़ा कि कैसे कोर्स ऑफ ट्रांजिट माना जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांजिट, कहां पे गुड्स को रोका जा सकता है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था, इसमें हमने देखा था जहां पर डिलीवरी टू द बायर, अगर डिलीवरी हो गई है बायर को या बायर के एजेंट को, तो गुड्स को स्टॉपेज इन ट्रांजिट होता है, आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं होगा। जब डिलीवरी हो ही गई है, उसको दे दिया गया है, तो नहीं रुकेगा,
स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं होगा। अब मैं आपको एक केस बताता हूँ, इससे संबंधित आप मुझे इसके फैक्ट समझ के आंसर देना। जीआईपी रेलवे कॉरपोरेशन रेलवे कंपनी वर्सेस हनुमान दास इन द ईयर ऑफ 1899। जीआईपी रेलवे कंपनी वर्सेस हनुमान दास 1899। अब इस केस में क्या हुआ, जो सेलर है उसने अपने गुड्स दिए, कंसाइन किए रेलवे कंपनी को फॉर द डिलीवरी टू द बायर। ठीक है, बायर के पास गुड्स पहुंचाने के लिए बीच में कौन है, और रेलवे वाली जो कंपनी है कैरियर है। ठीक है, माल ढो के लेके जा रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं गुड्स बायर को। अब ये जो गुड्स पहुंच गए हैं जहां पे अराइवल डेस्टिनेशन थी, वहां गुड्स पहुंच चुके हैं, डेस्टिनेशन पे गुड्स पहुंच चुके हैं। अब इसी दौरान रेलवे कंपनी ने जो गुड्स हैं वो बायर को डिलीवर भी कर दिए। द कंपनी हैज डिलीवर द गुड्स टू द बायर, बायर को डिलीवर कर दिए हैं, और इस दौरान अब ये गुड्स को लोड कर रहा है, बायर जो है अपने ट्रक में लोड कर रहा है। ठीक है, अपने कार्ट में या ट्रक में, उससे क्या फर्क पड़ता है, लोड कर रहा है। जब ये लोड कर रहा है, अभी तक कार्ट वहीं पे खड़ा है, रेलवे स्टेशन पे ही है, रेलवे कंपाउंड में ही है। इसी दौरान एक टेलीग्राम आता है सेलर की साइड से। टेलीग्राम बहुत जल्दी डिलीवर हो जाता है, राइट, टेलीग्राम होता है, कुछ टाइप करते हैं इमीडिएटली ऐसे फैक्स की तरीके से पहुंच जाता है टेलीग्राम। तो टेलीग्राम आ जाता है उसी वक्त। अब टेलीग्राम में क्या कहा गया है, कंपनी यानी रेलवे कंपनी को टेलीग्राम मिला, और टेलीग्राम में उसको कहा कि भाई गुड्स को रोक लिया जाए। सेलर ने रेलवे कंपनी को कहा गुड्स रोक दिया जाए, लेकिन इसी दौरान गुड्स जो है लोड हो रहे हैं ट्रक में, और रेलवे कंपाउंड में ही ट्रक है। अब आप मुझे बताइए, ट्रांजिट ऑफ गुड हो गए हैं या नहीं हुए, ट्रांजिट अभी है, क्या सेलर रोक सकता है गुड्स को या नहीं रोक सकता, बताइए। सर नहीं रोक सकता। ओके, रीजन क्या है? यहाँ पर पार्ट डिलीवरी नहीं हो जाएगी, जितने गुड्स बायर को लोड कर दिए गए हैं उनके, उन पर तो एक्सराइट सेलर राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकता, लेकिन जितने भी रेलवे के पास हैं उन पर ही सेकंड पॉइंट, सेकंड अगर सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग देखे तो जो अपॉइंटेड डेस्टिनेशन है अगर वहां पर पहुंच गए तो वो ट्रांजिट मान लिया जाता है। अपॉइंटेड डेस्टिनेशन पे पहुंचने से मतलब नहीं है, अपॉइंटेड डेस्टिनेशन पे अगर रेलवे के पास पड़े हैं तो रेलवे के पास अगर गुड्स अगर पड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रांजिट खत्म हो गया। रेलवे तो सिर्फ कैरियर वाला है, ये जो गुड्स है वहां पहुंचने चाहिए ना बायर के पास, बायर ऑप्टेन भी तो, ऑप्टेन भी तो कर लिया फिर उसने बायर का मतलब क्या होता है, ऐसे होता है लाओ मेरे को गुड्स दो, रेलवे के पास जाके गुड्स को लेना, वो होता है ऑप्टेन। या तो रेलवे वाला ये कहे, या तो रेलवे वाला बायर को फोन कर दे कि जनाब आपके गुड्स आ चुके हैं और हम होल्ड कर रखे हैं आपके गुड्स, आप आगे ले जाइए, तो ये आ जाएगा थर्ड वाला पॉइंट, एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, इस केस का बताइए मुझे जल्दी से क्या होगा, लोड हो चुके हैं ट्रक में लेकिन ट्रक अभी भी रेलवे के कंपाउंड में खड़ा है, टेलीग्राम आ गया ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली, कैन इट बी स्टॉप्ड? तो सर वो अपने आप थोड़ी आया होगा लेने के लिए, अपना ट्रक लेकर के आया होगा तो उसको बताया ही तो गया होगा सर कि आ गए कुछ। हाँ ठीक है, तो ट्रक लाने और चढ़ाने में फर्क नहीं है क्या, ट्रक लाना और चढ़ाने में गुड्स को लोड होने में फर्क नहीं है क्या? बहुत बड़ा फर्क है, ट्रक तो खड़ा है रेलवे के बाहर खड़ा है, लेकिन अगर गुड्स लोड हो गए तो फिर अब बताइए क्या होगा। सर आई थिंक यहाँ पर सेलर नहीं एक्सरसाइज कर सकता अपना राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। रीजन सर बिकॉज़ गुड्स उसके रीच के बाहर हो गए हैं, ट्रांजिट खत्म हो चुका है। ओके, अब इसको केस में यही कहा कोर्ट ने, इट वाज हेल्ड दैट द ट्रांजिट हैज एंडेड, ट्रांजिट खत्म हो गई है क्योंकि जो गुड्स हैं वो लोड हो चुके हैं बायर के पास, बायर एक्सेप्ट कर चुका है उनको,
ठीक है, बायर के पास दिया जा चुका है गुड्स, ठीक है, तो रेलवे कंपनी वॉज देयरफॉर लेफ्ट विद नो पावर टू स्टॉप, और रेलवे नहीं रोक सकती अब इसको, रेलवे नहीं रोक सकती। सेलर ने कहा अब तो गुड्स दिए जा चुके हैं ना, जब गुड हैंड ओवर कर दिए हैं तो हाउ यू कैन स्टॉप इट, ना ही लीन रहा, लीन तो रहा ही नहीं, लीन तो शुरू में ही खत्म हो गया जैसे इसने गुड्स को लोड करवा दिया, किसमें, रेलवे वाले को दे दिए, गुड्स लीन खत्म हो जाता है। जैसे ही रेलवे वाले से गुड्स ट्रक में लोड हो गए हैं बायर के, तो वहां पे भी आपका दूसरा राइट भी खत्म हो जाता है, स्टॉपेज भी खत्म। एम आई क्लियर? यस सर। अब हमने दूसरी बात जो पढ़ी थी सेक्शन 51 का 2 में, हमने पढ़ा था इंटरसेप्टर, बोल सकते हैं इसको इंटरसेप्टर बाय बायर। सेकंड में हमने देखा था ना भैया, ये जो गुड्स थे ए कहां से, दिल्ली से चलने थे मुंबई, मुंबई मैंने कहा वडोदरा या गुजरात या सूरत ले लेते हैं, सूरत के रास्ते में आएगा मुंबई, दिल्ली से मुंबई जाने थे ये, दैट वाज अ फाइनल डेस्टिनेशन, ये थी ना फाइनल डेस्टिनेशन, लेकिन बीच में वो अपना ट्रक लाके खड़ा कर देता बायर कि भैया एक काम कर मेरे को यहीं पे दे दे, सूरत में ही दे दे। तो जैसे ही सूरत में उसने ट्रक लाके खड़ा करा, उसमें गुड्स लोड हुए, यहां पर इंटरसेप्शन बाय बायर, डिलीवरी हो जाएगी, ट्रांजिट खत्म, ट्रांजिट एंड शेयर। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है, तो उसमें कुछ है नहीं, सिंपल सा है। गुड, ये हो गया हमारा सेकंड था। 51 का 3 क्या कहता है? एक्नॉलेजमेंट टू द बायर। अब एक्नॉलेजमेंट बताने की जरूरत है क्या? एक्नॉलेजमेंट आएगा, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट टू बायर, कौन एक्नॉलेज कर रहा है, हु इज एक्नॉलेजिंग, बेली या कैरियर वाला, ठीक है, वो क्या कह रहा है, अभी तक तो मेरे पास जो गुड्स थे यहां से, कहां से, दिल्ली से गुड्स चले मुंबई पहुंचने थे, ठीक है, अब गुड्स मुंबई पहुंच गए हैं, मुंबई के पोर्ट पे या कहीं पे भी गुड्स खड़े हैं, वहां पर रख दिए गए हैं, वहां से फोन जाता है इसी बेली का, इसी कैरियर वाले का फोन जाता है बायर के पास कि सर आपके गुड्स आ गए हैं, बायर कहता है ठीक है मैं आगे ले जाऊंगा। जैसे उसने उसको फोन करा बायर को आपके गुड्स आ गए हैं, तो इसका मतलब ये एक्नॉलेज कर रहा है कि गुड्स अब किसके हैं, बायर के हैं। नाउ जो सेलर है कैन नॉट स्टॉप इट, ठीक है, अब नहीं रोक सकता, ये एक्नॉलेजमेंट हो गया, यानी अब ये बायर का बेली हो गया है, पहले ये सेलर का बेली था। एम आई क्लियर? यस सर। एक केस कर लेते हैं इसमें, व्हाइट हीट वर्सेस एंडरसन, अब कुछ लकड़ी थी, टिम्बर को बेचा गया, उसको टिम्बर को बेचने के बाद कंजाइन कर दिया गया शिप पे, शिप पे उसको ट्रांसमिट कर दिया गया लकड़ी को, और शिप अल्टीमेटली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचती है। शिप कहाँ पे पहुंचती है, जो उसका फाइनल डेस्टिनेशन था जहां उसको गुड्स को डिलीवर होने थे वहां पे शिप पहुंचती है, और लेकिन उस दौरान जो बायर है बैंकरप्ट हो जाता है, बायर जो है बैंकरप्ट हो जाता है, बैंकरप्ट दैट मींस इंसॉल्वेंट हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो बायर का जो एजेंट है वो गुड्स को लेने पहुंच जाता है, गुड्स को लेने पहुंच जाता है और लकड़ी देखता है और अपने कैप्टन से कहता है दैट ही हैड कम टू टेक द पोजीशन, और ये क्या कहता है, शिप के कैप्टन से कहता है एजेंट आके कि भैया मैं जो हूं, कैप्टन से कहता है कि मैं गुड्स लेने आया हूं, जबकि इंसॉल्वेंट हो चुका इसका मालिक, तब भी आ जाता लेने, और कैप्टन क्या कहता है दैट ही वुड डिलीवर इट ऑन द फ्रेट, लेकिन कैप्टन कहता भैया पहले तो मुझे फ्रेट दे, फ्रेट मीन्स भाड़ा दे, जब तक तू मुझे फ्रेट नहीं देगा तब तक मैं गुड्स तेरे को नहीं दूंगा, यानी पेमेंट नहीं देगा, जब तक तू मुझे किराया नहीं देगा मैं तेरे को गुड्स नहीं दूंगा।
ठीक है, यानी अल्टीमेटली कैप्टन ने लीन लगा दिया। कैप्टन हियर मींस जो कैरियर वाला है, उसने लीन एक्सरसाइज कर लिया कि भैया गुड्स मैं तेरे को तभी दूंगा जब तक तू मुझे भाड़ा नहीं देगा। ठीक है, बट जब तक ये चीज हो पाती, सेलर नोटिस दे देता है। सेलर ने यहां से नोटिस भेज दिया। सेलर ने क्या नोटिस भेज दिया? सेलर को पता लग गया कि भाई बायर तो इंसॉल्वेंट हो चुका है। यहाँ नोटिस भेज दिया, नोटिस उसको भेज दिया, कैप्टन को भेज दिया और क्या दिया कि भाई माल की डिलीवरी मत करना, नोटिस टू स्टॉप एंड कंसिक्वेंटली द गुड्स वर डिलीवर्ड टू द सेलर्स एजेंट्स। लेकिन हुआ क्या, इसी दौरान इसके नोटिस को नॉलेज में आने से पहले कैप्टन ने क्या करा, फ्रेट लेने के बाद, भाड़ा लेने के बाद गुड्स को डिलीवर कर दिया बायर को। बायर के एजेंट को डिलीवर कर चुका था ऑलरेडी बीन हैंडेड ओवर टू द एजेंट। और इसी दौरान नोटिस आता, नोटिस देखता वो तो डिलीवरी ऑलरेडी हो चुकी है। अब आप मुझे बताइए क्या स्टॉपेज इन ट्रांजिट अप्लाई होगा? नो सर। सो यहाँ पे कैप्टन ने पैसे ले लिए थे पेमेंट। हाँ जी, देखो हर एंगल से समझा दूंगा, जो जिसमें नहीं भी लिखे तो भी समझ लेंगे उन चीजों को। देखो इसमें दो चीज है, अगर उसने फ्रेट ले लिया है, अगर उसने किराया ले लिया है, तो डेफिनेटली अगर उसने नोटिस आने से पहले डिलीवर कर दिए गुड्स, तो एजेंट को पोजीशन दिया जा चुका है, तो वो रोका नहीं जा सकता। अब सपोज कीजिए एजेंट ने अगर फ्रेट नहीं दिया, किराया नहीं दिया है, तो डेफिनेटली लीन एक्साइज हो सकता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन भी हो सकती है ना चीजें। लीन इसका राइट है, लीन रख सकता है। और इसी दौरान अगर नोटिस आ गया है तो नोटिस कैप्टन को दे दिया गया। मैंने आपको कहा ना प्रिंसिपल को नोटिस दे दिया जाए या एजेंट को नोटिस दे दिया जाए डायरेक्ट जिसके पोजीशन में है चीज। तो हमने यहाँ पर प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या, कैप्टन इज नॉट अ प्रिंसिपल बट जो शिप का ऑनर है वो प्रिंसिपल होगा। कैप्टन इज ओनली एन एजेंट ऑफ द शिप। तो इसको अगर हमने बोल दिया है कि नोटिस को फॉलो कर लो और ये रोकता है, तो इट कैन बी डन, बिल्कुल किया जा सकता है। तो अगर अभी हैंड ओवर नहीं किया है पोजीशन, तो राइट ऑफ स्टॉपेज अभी भी अवेलेबल है। लेकिन अगर हैंड ओवर कर दिया है, जिस वक्त हैंड ओवर अगर हो गया तो स्टॉपेज खत्म हो जाएगा। इतना सा केस है, सिंपल है। बताइए क्लियर है? तो एक बार लास्ट में आपने क्या बोला, एक बार दोबारा एक्सप्लेन। देखो दो सिचुएशन है ना, अगर एजेंट ने फ्रेट यानी उसका जो किराया था वो पे करके गुड्स को ले लिया है, डिलीवरी ले ली है, तो वो कुछ नहीं कर सकता। अब सेलर कुछ नहीं कर सकता, अपना राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकता, वहां पे एंड हो जाता है स्टॉपेज का अधिकार उसका। लेकिन अभी उसने अभी किराए के चक्कर में चीजें रुकी ही थी, अभी डिलीवरी नहीं हुई थी गुड्स की, इसी दौरान नोटिस आ जाता है, कैप्टन उसको पढ़ता है, डिलीवर करने से मना कर देता है। इसका मतलब क्या है, कैप्टन कैन डू दैट। ठीक है, अभी इसको फिर डिलीवरी नहीं दी जाएगी एजेंट को, तो अभी ट्रांजिट एंड नहीं हुआ है। Yes, okay, sir. दो ही सिचुएशन हो सकती है ना भाई, इतना सा था इस केस में। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हमने फोर्थ पॉइंट पढ़ा, रिजेक्शन बाय द बायर, बहुत सिंपल सा है, तो उसमें कुछ है नहीं। सेक्शन हमने 51 का 4 पढ़ा था, रिजेक्शन बाय द बायर, रिजेक्ट बाय द बायर। शुरू में तो बायर रिजेक्ट कर रहा है और बाद में फिर सेलर भी मना कर देता है। गुड्स कहाँ लाएंगे, गुड्स अब पड़े हैं कैरियर वाले के पास, तो ट्रांजिट एड होता है या नहीं होता है? नो सर, नॉट एन एंड। ठीक है, वो खत्म नहीं होगा, ट्रांजिट खत्म नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली अभी तो वापस मंगाने का अधिकार इसका है ना, मंगा लेगा जब जागेगा। अभी तो मना कर रहा, बाद में मंगा लेगा ना। 51 का 5, डिलीवरी टू शिप चार्टेड बाय द बायर, शिप चार्टेड बाय द बायर। सिंपल सा है, अगर बायर ने चार्टेड की है तो डेफिनेटली गुड जैसे उसके ट्रक में लोड हो जाएंगे तो मान लिया जाता है कि डिलीवरी हो गई है। अब ट्रांजिट नहीं, ट्रांजिट में गुड्स नहीं रोके जा सकते हैं। ठीक है, एक केस था इस पे, स्कॉचमैन
Scotchman's versus Lancashire and Yorkshire रेलवे कंपनी 1867 का है. नाउ इन दिस केस ऑल्सो इट इज डीलिंग विद दी, अगर चार्टेड ट्रक है और बायर के पास, बायर के चार्टेड ट्रक में लोड कर देंगे तो उसी वक्त पोजीशन दे दिया जाता है बायर को. ठीक है सर, ये स्पेलिंग क्या है? LANC लैंकशायर. लैंकशायर वैसे स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं किताब में ही. LANCASHIR इट इज अ नेम ऑफ द सिटी इन द न्यूयॉर्क US के अंदर. ये सिटी है, नॉट इन द न्यूयॉर्क. लैंकशायर, यॉर्कशायर, ये सारे सिटीज हैं. तो चार्टेड बाय द बायर, इस केस में हुआ क्या था, वे द गुड्स वर डिलीवर्ड ऑन द बोर्ड बोर्ड अ शिप बिलोंगिंग टू द बायर. गुड्स को डिलीवर किया गया, उसमें लोड किए गए, जो कि जो शिप था दैट वॉज बिलोंगिंग टू द बायर को बिलोंग करता था, और इसी के साथ बिल ऑफ लेडिंग जो था वो गुड्स का वो भी डिलीवर कर दिया गया था. बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ लेडिंग समझते हैं, बताया था, बिल ऑफ लेडिंग भी डिलीवर कर दिया गया था. अगर आप किसी पोर्ट पे जाओगे ना, आपको गुड्स कोई क्यों देगा? आपने चेन्नई चेन्नई छोड़िए, आपने अगर सपोज आपने लंदन से गुड्स मंगाए हैं और आपको लेने जाने हैं मुंबई के पोर्ट पे, तो आपको गुड्स क्यों डिलीवर होंगे? हाँ जी बताइए, क्या कारण होगा आपको गुड्स डिलीवर करने का मुंबई के पोर्ट पे? तो कोई भी जाके कह देगा मेरे गुड्स हैं, बट आपके पास अगर बिल ऑफ लेडिंग है ना, तो ये आपको अधिकार देता है कि आपको गुड्स डिलीवर होंगे. तो जब अधिकार भी उसका है, बायर के पास बिल ऑफ लेडिंग भी है और ट्रक भी उसका है, तो ये सरकमस्टांसेस बता रहे हैं भाई गुड्स तो अब डिलीवर हो चुके हैं जैसे ट्रक पे लोड होंगे. ठीक है, जैसे ही बोर्ड पे डाल दिए गए, शिपिंग बोर्ड पे डाल दिए गए हैं, द गुड्स बिलोंगिंग टू अब वो बिलोंग करेंगे बायर पे, बायर के पास पोजीशन चला गया. क्लियर है? हाँ जी बताइए क्या. और सिक्स पॉइंट है जहां पे मना कर देते हैं डिलीवरी लेने से, रॉन्गफुल रिफ्यूजल टू डिलीवर. सिक्स पॉइंट है इसका सेक्शन नंबर 51 का सिक्स, जहां पे वो डिलीवरी लेने से मना करता है, रॉन्गफुल रिफ्यूजल. डिलीवरी देने से रॉन्गफुल रिफ्यूजल टू डिलीवर. कौन डिलीवर कर नहीं कर रहा है? कैरियर वाला या बेली. किसको डिलीवर नहीं कर रहा है? बायर को. तो ट्रांजिट वहीं एंड हो जाता है, ट्रांजिट एंड हो जाएगा. बायर कितना वेट करेगा? ठीक है, क्योंकि इस ट्रांजिट पीरियड को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता ना, क्योंकि गुड्स को तो अल्टीमेटली अपने डेस्टिनेशन पे जाना था, बट अभी कैरियर वाला नहीं दे रहा, बेली नहीं दे रहा है, तो अल्टीमेटली बायर, वाई द बायर वुड बी सफरिंग इन दिस केस. ओके, तो लो ये तो सिंपल है. नाउ नेक्स्ट वन इज सेवंथ, इज 51 का आता है सेवन, विच इज डीलिंग विद द पार्ट डिलीवरी. पार्ट डिलीवरी समझ चुके हैं, 100 बेल्स ऑफ कॉटन थे, 50 डिलीवर हो गए, 50 बचे हैं, तो 50 पे वो 50 की जो अभी रास्ते में ही उसको रोक सकता है. ठीक है, बाकी तुम इसको पढ़ ही चुके हैं. अच्छा, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीन एंड स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट. अब ये आप बताएंगे मुझे, ठीक है, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये आप मुझे बताएंगे डिफरेंस क्या है स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड लीन पे. और थोड़ा स्पीड से बताना ताकि हम आगे का टॉपिक भी जल्दी कवर कर लें. हाँ जी बताइए, लीन क्या है, दोनों का पर्पज क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलैरिटीज क्या है इनमें, दोनों का पर्पज क्या है for the protection of the rights of unpaid seller, protection of rights of unpaid seller, UPS लिख रहा हूँ, इसका भी मकसद ही है, इसका भी मकसद ही है. और क्या हो सकता है इसमें, लीन में क्या होता है, लीन में हम टू रिटेन का अधिकार है, यहाँ पे क्या अधिकार है, टू
टू रेज्यूम लिख दीजिए या टू रीगेन लिखना, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। और क्या हो सकता है, दोनों में क्या है पोजेशन दोनों में, इसमें देखो लीन में क्या होता है, लीन में पोजेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पार्ट विद पोजेशन होता, राइट, पोजेशन जा चुका है। और बताइए, तो बोथ कैन बी एक्सरसाइज्ड इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, लीन तो दोनों चीज में हो सकता है, कोई इंसान सॉल्वेंट है तब भी होगा, इंसॉल्वेंट है तब भी। सॉल्वेंट का जब वो पैसा देने से मना कर रहा है ना, इंसॉल्वेंट में तो कोई इंसान जानबूझ को देगा ही नहीं। और ये कब एक्सरसाइज होता है, ओनली इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंट। और बताइए, जहां पर लीन खत्म होता है, जहां पर लीन खत्म होता है वहां पर स्टॉपेज स्टार्ट होता है, एम आई राइट? हाँ जी, पॉसिबल है ये, सही है, एक डिफरेंस सिमिलैरिटी डिफरेंस देख रहे हैं दोनों, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन दिल्ली वगैरह में नहीं आते, सर ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है ना। So, ये क्या अभी लास्ट फोर्थ पॉइंट क्या बताया, लीन जहां पर, लीन जहां पर एंड होता है, गुड्स आपने ट्रक में डाल दिए तो वहां से आपका स्टॉपेज ट्रांजिट राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट स्टार्ट होगा ना, ठीक है। यहां पे पोजीशन किसके पास होता है, यहां पे तो पोजीशन सेलर के पास होता है, यहां पोजीशन किसके पास होता है, बेली और कैरियर, बेली और कैरियर वाले के पास होगा, ठीक है। और बायर के पास तो अभी तक पोजीशन गया नहीं है, बायर ने अभी तक पोजीशन नहीं लिया है, बायर नॉट एक्वायर्ड पोजीशन, अभी तक बायर के पास पोजीशन नहीं गया है। अच्छा, दोनों में क्या ऑनरशिप, एक बात बताओ, दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि नहीं कि दोनों में ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, ऑनरशिप लीन में भी जा चुकी होती है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट में भी जा चुकी है, दोनों में कॉमन बात ये है ऑनरशिप जा चुकी होती है, ठीक है। ये मैं लिख ही चुका हूँ, बाहर चाहे सॉल्वेंट हो इनसॉल्वेंट हो, पर यही है, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन आ सकता है इस पर, काफी सारे हैं, 7-8 पॉइंट बन रहे हैं। ओके, तो ये हमारे खत्म हो जाता है स्टॉपेज इन लीन। अब हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन विल कम बैक, देन विल स्टार्ट विद द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ रीसेल, रीसेल करेंगे और सेक्शन 53, तो 53 और 54 बचा हमारा, ठीक है। 2 मिनट्स ब्रेक। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं इसका जो 3rd पॉइंट है, रीसेल राइट ऑफ अनपेड सेलर, दैट इज ही कैन रीसेल द गुड्स, रीसेल कर सकता है, जो कि हमने सेक्शन 54 में पढ़ना है, ठीक है। रीसेल से पहले सेल होनी चाहिए ना, चीजें बिकेंगी तभी जाके, तो रीसेल वर्ड लिखा है ना। तो अगर जो सेलर है या बायर, सेलर और बायर के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी रेपुडिएटेड हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट ही अगर रेस्किंड हो चुका है, देन इन दैट केस तो जो सेलर है वो गुड्स को उसका मालिक बन जाता है, ऑनर ही बन जाता है। इफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन रेस्किंडेड देन द सेलर बिकम्स द ऑनर, इन दैट केस इफ ही सेल्स द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मीन्स अगर वो गुड्स को बेचता है तो वो इन द कैपेसिटी ऑफ द ऑनर की कैपेसिटी में बेच रहा है, ना कि वो बायर की डिफॉल्ट की वजह से, बायर की डिफॉल्ट की वजह से जो प्रॉपर्टी उसके पास आई है उसको नहीं बेच रहा है, वो किसको बेच रहा है, अपनी ही प्रॉपर्टी को बेच रहा है। तो रीसेल के लिए जरूरी है पहले सेल होना, देन ओनली इट कैन बी कॉल्ड अ रीसेल। और रीसेल होती है तो रीसेल से पहले भैया क्या पढ़ना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। देखो, रीसेल से पहले क्या चीज होगी, या तो जो सेलर है वो लीन अपना एक्सरसाइज करेगा, भैया तूने मुझे पेमेंट नहीं दे रहा है, मैं वापस दे रहा हूँ, गुड्स मेरे पास ही हैं। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि मैंने स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज किया, मैंने गुड्स अपने वापस मंगा लिए, यानी मेरे पास पोजीशन अब वापस आ गया है। लेकिन ऑनरशिप किसके पास है इस दौरान,
ऑनरशिप किसके पास है? इसका ऑनर तो वो है ना, बायर। तो हम क्या कर रहे हैं, रीसेल का मतलब क्या है, हम बायर की प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, क्योंकि कानून ने हमें अधिकार दिया, क्योंकि लॉ ने ये अधिकार हमें दिया है कि अनपेड सेलर जो है वो अधिकार रखता है राइट ऑफ रीसेल व्हेन द बायर मेकिंग अ डिफॉल्ट। बायर ने क्या करा, बायर ने उसकी पेमेंट नहीं दी। जब पेमेंट नहीं दी, या तो उसने लीन एक्साइज किया होगा या स्टॉपेज इन ट्रांजिट किया होगा। जब स्टॉपेज इन ट्रांजिट या लीन एक्साइज किया तो गुड्स उसी के पास आ गए वापस, गुड्स पोजीशन में आ गए, किसके पास, सेलर के पास। लेकिन अभी भी ऑनरशिप किसके पास है, तो बायर के पास। बट लॉ कहता, अधिकार देता है सेक्शन 54 में कि जो सेलर है वो रीसेल कर सकता है, इसलिए वर्ड लिखा रीसेल, ना कि सेल लिखा है। एम आई क्लियर? हाँ जी, देखो कॉन्सेप्ट को समझना, वर्ड का खेल है यहाँ पर। रीसेल लिखा, नहीं तो सेल ही लिख देते, क्या फर्क पड़ रहा है। अब सेल देने से पहले क्या देना पड़ेगा सेलर को, अब प्रॉपर्टी किसकी है, हु इज द ऑनर, हु इज द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, बायर। अरे जिसकी प्रॉपर्टी है उसको नोटिस तो दे दो भैया। नोटिस देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। और नोटिस इतना इंपॉर्टेंट है, नोटिस देखो, जब नोटिस दिया जाएगा, नोटिस से देखो कितना इम्पैक्ट पड़ता है। दो सिचुएशन रख लेते हैं, एक तो नोटिस दिया जा रहा है, एक नोटिस नहीं दिया गया, नोटिस नॉट गिवन टू द बायर, क्योंकि बायर ऑनर है ना, बायर को नोटिस देना पड़ेगा। और मैं कर रहा हूं रीसेल, रीसेल के केस में मुझे बायर को नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस टू बायर, बायर को नोटिस देना। अब मैं जब रीसेल कर रहा हूं तो दो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, या तो मुझे उस प्रॉपर्टी पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर मुझे प्रॉपर्टी को मैंने नोटिस दे चुका है, पहली सिचुएशन ये है जहां नोटिस मैं दे रहा हूं, और मुझे लॉस हो रहा है सेलर को रीसेल करने पे, लॉस हो रहा है, तो उस लॉस की जो भरपाई होगी दैट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम बायर से रिकवर होगा, क्योंकि बायर ने डिफॉल्ट किया है ना। बट अगर प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट किसका, प्रॉफिट सेलर रखेगा। इफ आई एम गिविंग अ नोटिस कि भैया मैं बेचने जा रहा हूं, तू नहीं खरीद रहा ना, पेमेंट नहीं दे रहा ना, मैं बेचने जा रहा हूं। अगर नोटिस नहीं दिया है, नोटिस नहीं दिया है, अगर प्रॉफिट हो गया तो ये प्रॉफिट जाएगा बायर के पास, क्योंकि मैं डिफॉल्टर हूं ना, मैं दूसरे की प्रॉपर्टी बेच रहा हूं ना, और मुझे प्रॉफिट हो रहा, तो मुझे प्रॉफिट बायर को देना पड़ेगा। और अगर लॉस अगर हो जाता है तो कैन आई रिकवर्ड, आई कैन नॉट रिकवर्ड, मैं रिकवर्ड नहीं कर सकता किससे, बायर से, क्योंकि मैंने नोटिस नहीं दिया। और अगर मैंने नोटिस दिया है तो अगर मैंने लॉस मुझे हुआ है, तो मैंने रीसेल जब किया होगा और मैंने लॉस पे किया, सपोज करो मैंने जो मेरा फर्स्ट बायर था जिसके साथ मेरा मेन कॉन्ट्रैक्ट था, उसने डिफॉल्ट किया, मैंने को रीसेल करना पड़ा, मेरे को 100 रुपीज के गुड्स, इस पे मेरे को 100 का प्रॉफिट हो रहा था सेल पर, ठीक है, 100 का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन जब मैंने सेकेंड बायर को बेचा, रीसेल किया, इसने डिफॉल्ट किया, तो मुझे सिर्फ लॉस हुआ, और उन गुड्स की कीमत जो थी वो मुझे सिर्फ 80 रुपए मिली, 100, यानी मुझे देयर इज अ लॉस ऑफ 20 रुपीज, 20 रुपए का लॉस हुआ। मैं किससे रिकवर करूंगा बताइए जल्दी। नोटिस दिया होगा तो बायर से, द सेलर कैन रिकवर। मैं नोटिस ही दिया है, मैंने इस केस में मैंने नोटिस ही दिया है, तो मैं किससे रिकवर करूंगा, मैं बायर से रिकवर करूंगा। कौन सा बायर, फर्स्ट बायर से, फर्स्ट बायर से रिकवरी होगी, ठीक है। अब दो चीजें और है इसमें, अब हमें देखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सपोज जितना भी था, और अब लॉस हुआ है मेरे को, यानी मार्केट प्राइस उसका क्या है, या मुझे जो 20 रुपए का लॉस हुआ है, अब ये 20 रुपए का लॉस सपोज सेलर की ही गलती थी, मिस्टेक ऑफ सेलर क्या थी, एक केस में हुआ क्या, सेलर ने नोटिस दिया कि भैया अगर तू मेरे से गुड्स नहीं ले रहा है ना, 3 दिन के अंदर डिलीवरी नहीं लेगा, इफ यू आर नॉट टेकिंग अ डिलीवरी इन 3 डेज, देन आई एम गोइंग टू रीसेल इट। उसने डिलीवरी बायर ने नहीं ली, तो इसको रीसेल करना पड़ा, लेकिन इसने रीसेल करा 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ्स
ऑफ गिविंग अ नोटिस 3 महीने बाद, जिसकी वजह से सो काफी लॉस हुआ, सेलर को लॉस होता है, हु इज गोइंग टू बेयर दिस लॉस? ये लॉस कौन बेयर करेगा? सेलर, इफ इट इज ड्यू टू सेलर्स मिस्टेक, इट इज अ मिस्टेक ऑफ द सेलर, सेलर को बेचना चाहिए था विद इन अ रीजनेबल टाइम। 3 महीने क्यों वेट करा? चीज की मार्केट वैल्यू इतनी गिर गई, इतना ज्यादा लॉस हो रहा है उसको, तो ही सेलर इज गोइंग टू पे, बायर नहीं पे करेगा इस सिचुएशन में। एम आई क्लियर? ये बेयर एक्ट में नहीं लिखा, ये केस लॉ है, ये केस लॉ है, दिस इज अ केस लॉ। केस लॉ का नाम लिख लीजिए, ठीक है? केस लॉ का नाम है मैसूर शुगर कंपनी, मैसूर शुगर कंपनी वर्सेस मनोहर मेटल इंश्योरेंस, मनोहर स्पेलिंग गलत हो रहे हैं, मनोहर मेटल इंश्योरेंस। क्लियर है ये केस? हाँ जी, यस सर। और ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इसको बोलेंगे लॉस एंड प्रॉफिट। लॉस एंड प्रॉफिट कैसे शेयर होगा, कैसे शेयर होगा लॉस एंड प्रॉफिट, तो समझ में आ गया होगा रीसेल पे। कोई डाउट है इसमें, बताइए जल्दी से। सर यह जो केस आपने बताया ये इस वाले में है ना, जहाँ पे नोटिस, जहाँ पे डिफॉल्ट है? हाँ जी, ये केस है मैसूर शुगर मनोहर मेटल इंश्योरेंस का, जिसमें नोटिस जो था, सेलर ने नोटिस दिया कि 3 दिन में डिलीवरी ले लियो, उसने 3 दिन में डिलीवरी नहीं ली, उसने कहा मैं रीसेल कर रहा हूँ, अगर तो 3 दिन में डिलीवरी नहीं लेगा तो मैं रीसेल कर दूंगा। रीसेल करो, बिल्कुल आपका अधिकार है, कानून ने दिया, सेक्शन 54 ने रीसेल का अधिकार दिया है, लेकिन इसे 3 महीने बाद रीसेल करा, जिसकी वजह से जो उसको लॉस बहुत ज्यादा हुआ, तो ही कैन नॉट रिकवर फ्रॉम द बायर, क्योंकि एक रीजनेबल टाइम में तो रीसेल कर दे। अब तो सदियों बेटर रहेगा, सपोज करो गुड्स पैरिश हो गए, अगर मानो गुड्स पैरिश हो जाते तब कौन उसको सफर करता? तो सेलर ही करता, तेरी गलती की वजह से गुड्स पैरिश हो गए। बट डेफिनेटली अगर ये बेचता 2-4 दिन में, 5-10 दिन में बेच देता, इसको जितना भी लॉस होता वो रिकवर किससे होता? तब बायर से होता। क्लियर है? हाँ जी, बताइए यस और नो कमान। अब सपोज एक केस और कर लेते हैं, शिव नारायण वर्सेस न्यू सेवन शुगर्स, सेवन शुगर्स एंड शुगर एंड गुड रिफाइनिंग कंपनी 1938, ठीक है? शिव नारायण वर्सेस न्यू सेवन शुगर एंड गुड रिफाइनिंग कंपनी 1938। अब इस केस में रीसेल की ही बात चल रही है, रीसेलिंग ऑफ द गुड्स बाय द सेलर, सेलर गुड्स को रीसेल करता है, लेकिन काफी डिले हो जाता है। डिले क्यों हो रहा है? क्योंकि बायर बार बार ये एश्योरेंस दे रहा है कि मैं पेमेंट कर दूंगा, मैं पेमेंट कर दूंगा, मैं गुड्स ले लूंगा। को हु इज डिफॉल्टिंग पार्टी हियर? एश्योरेंस कौन दे रहा है बार बार? यहाँ पे दे रहा है बायर, और बायर के एश्योरेंस की वजह से गुड्स टाइमली बेचे नहीं जा पाए, बाद में जब बेचेगा तो बहुत ज्यादा लॉस हुआ। हु इज गोइंग टू पे दिस लॉस? हाँ जी, बायर बार बार क्या कर रहा है? टाइम मांग रहा है, यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ द टाइम, टाइम मांगे जा रहा है, और सेलर ने दे दिया, दो बार दे दिया, लेकिन जब, यानी सेलर जो बायर है वो एश्योरेंस दे रहा है कि हाँ मैं पेमेंट भी कर दूंगा, सबसे टाइम पे पेमेंट कर दूंगा, डोंट वरी, मुझे थोड़ा टाइम और दे दो, मुझे थोड़ा टाइम और दे दो, और अल्टीमेटली लॉस हो जाता है जब सेलर जो अल्टीमेटली पता लगा ये बायर खरीदने वाला है नहीं, ना पेमेंट करेगा, तो सेलर को मार्केट में जाके बेचने पड़े अपने गुड्स, जब उसको बेचने पड़े तो बहुत ज्यादा लॉस हुआ, तो अल्टीमेटली इट इज अ बायर यहाँ पे डिफॉल्टर है, ना कि सेलर, तो सेलर जो रिकवरी करेगा वट एवर वुड बी द लॉस that has to be recovered from the buyer, buyer से recovery होगी, is that clear? Yes sir. ठीक है सर, ये शिव नारायण है या फिर शिव नारायण, SHEO शिव नारायण, ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये सारा? यस सर।
एक चीज मैं आपको और बता चुका था, रेस्केंड वाला, ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट रेस्केंड होता है तो सेलर जो है सेलर ऑनर बन जाता है दोबारा से। तो ऑनर अगर अपने गुड्स को बेचता है तो उसको बायर से क्या लेना देना, इसको प्रॉफिट हो या लॉस हो। अगर इसको प्रॉफिट होता है, सेलर बायर ने कॉन्ट्रैक्ट रेस्केंड कर दिया है, ठीक है, एक सेलर है एक बायर है, बायर ने कॉन्ट्रैक्ट रेस्केंड कर दिया है, खत्म कर दिया है, तो सेलर अपने गुड्स को रीसेल बोलेंगे या सेल बोलेंगे? पहले तो आप ये बताइए, इट वुड बी अ सेल और रीसेल? एक बार रिपीट करना। दो पार्टी है ना, सेलर और बायर। बायर ने कॉन्ट्रैक्ट को रेस्केंड कर दिया, खत्म कर दिया, मैं नहीं आपसे डील करना चाहता हूं। इस सिचुएशन को अगर सेलर अब गुड्स बेचता है मार्केट में जाके बाहर, इसको सेल बोलेंगे या रीसेल बोलेंगे? सेल। सेल बोलेंगे। अब सेल, इस सेल के दौरान अगर इसको दो ही चीजें होगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट हुआ, तो क्या प्रॉफिट बायर के साथ शेयर होगा या नहीं होगा, जो पहला वाला बायर था? आंसर इज नो। अगर लॉस हुआ तो रिकवरी होगी या नहीं होगी? नो। हाँ जी, ध्यान से सोच के बोलना, रिकवरी होगी या नहीं होगी? सर नहीं होगी, क्योंकि मेरा काम है आपको कंफ्यूज करना, लेकिन बाद में आपको कंफ्यूजन खत्म भी करना। रिकवरी होगी या नहीं होगी? नहीं होगी सर। आंसर इज रिकवरी नहीं होगी। बट जब ना रिकवरी हो रही ना प्रॉफिट शेयर हो रहा, तो अल्टीमेटली इस केस का हम करेंगे क्या? तो व्हाट द सेलर कैन डू इन दिस सिचुएशन? सेलर कैन सू। सेलर किस चीज के लिए सू करेगा? सू फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एम आई क्लियर? और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वो सारी चीज मांगेगा, डैमेजेस जो उसको हुए होंगे। कैन ही सू फॉर द प्राइस? नो। देखो ध्यान से समझ लेना, आगे का चैप्टर भी क्लियर हो रहा है, सू फॉर प्राइस नहीं होगा। अरे जब गुड्स बिके ही नहीं तो पैसा किस बात का? लेकिन हाँ, कैचेस कॉन्ट्रैक्ट जो ब्रीच हुआ उसको तो करना पड़ेगा ना ट्रीट। तो देर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट फॉर द सू फॉर द प्राइस। बट इन केस ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देयर कुड बी अ डैमेजेस प्लस इंटरेस्ट। डैमेजेस मांगेगा, ठीक है, अल्टीमेटली इंटरेस्ट हटा दो, डैमेजेस मांगेगा जो उसको नुकसान हुआ है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई वाली बात? यस सर। ठीक है, तो रीसेल में क्या होता है? रीसेल में वो किसकी प्रॉपर्टी बेचता है? ऑनर यानी सेलर, सब बायर की। बायर की प्रॉपर्टी बेच रहा है। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया ना, तो कहीं पे भी बैर अटैक आपका रुकेगा नहीं, सब चीज क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है, अब इसी में एक और चीज और बची है, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ रीसेल। रिजर्वेशन रख सकता है, कई बार क्या होता है, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ रीसेल कौन रखता है? अगर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, बायर और सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, और सेलर ने ये अधिकार अपने पास रखा है कि भैया मैं तेरे को नोटिस वोटिस नहीं दूंगा, मैं सीधा, अगर तूने डिफॉल्ट किया, लीन का अधिकार मेरे पास है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट का है, मैं सीधा सीधा गुड्स बेच दूंगा, क्या ऐसा किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है, इनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, तो मैं रीसेल कर दूंगा। देन नोटिस रिक्वायर्ड होगा? क्या नोटिस रिक्वायर्ड है सिचुएशन में? तो नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्शन 54 का 4, ठीक है। ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है सिचुएशन में, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा, अगर तूने मेरे को टाइमली पेमेंट नहीं दी, लीन का अधिकार होगा, इसका अधिकार होगा, और मैं रीसेल का अधिकार भी रखता हूं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा इस सिचुएशन में? कॉन्ट्रैक्ट बरकरार रहेगा या खत्म हो जाएगा, रेस्केंड हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली रेस्केंडेड। इज दैट क्लियर? अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो ऑटोमेटिकली रेस्केंड हो जाएगा। रीसेल करा, वो रीसेल नहीं होगी, वो क्या होगी? सेल होगी। हाँ जी बताइए, ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. एक सेक्शन रह गया 54 का 3, जिसमें लिखा है कि जो न्यू बायर होता है, न्यू बायर को टाइटल कैसा जाएगा? डिफेक्टिव टाइटल जाएगा या गुड टाइटल जाएगा?
valid title. He will be getting a good title. He would be the owner. यानी एक तो सेलर है, एक पुराना फर्स्ट परचेजर है, बायर बोलते हैं ठीक है, नॉट परचेजर, बायर है, एक सेकंड बायर है. तो सेकंड बायर जो होगा ही विल एक्वायर अ गुड टाइटल. ठीक है, जनरली एक रूल होता है ना, सेक्शन 27 में हमने पढ़ा था कि कोई, आपको याद होगा सेक्शन 27 का एक्सेप्शन हमने क्या पढ़ा था, एक याद है, अनपेड सेलर जब बेचता है, मर्चेंट वाला. यस सर. अरे अनपेड सेलर जब रीसेल करता है, ये लिख दिया मैंने, अनपेड सेलर. अनपेड सेलर जब रीसेल करता है तो ये 27 का एक्सेप्शन नहीं था क्या? 27 में क्या था, जो जो मालिक नहीं है वो गुड्स नहीं बेच सकता, बट यहाँ पे वो मालिक नहीं है तब भी गुड्स बेच रहा है, इसका मतलब एक्सेप्शन, अनपेड सेलर इज एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 27. याद आया? यस सर, यस सर. सेवंथ पॉइंट था, मैं ये भी बता सकता हूँ, सेवंथ पॉइंट है. ठीक है, तो रीसेल, रीसेल कर रहा है अनपेड सेलर, तो यानी अब ये क्या कर रहा है, ये थर्ड सेकंड बायर को चीजें बेच रहा है ये ऑनर नहीं है, सेलर इज नॉट अ ऑनर इन दिस केस, इवन दो ही कैन सेल इट. ये क्लियर हो गया होगा 27 से लिंक करेंगे तो नया जो बायर है उसको सही टाइटल जाता है, इट इज एक्सेप्शन ऑफ 27. क्लियर है? आई होप नथिंग इज लेफ्ट. अब एक बार बैरक पढ़ लेते हैं, अब देखना है बैरक कितना आसानी से समझ में आएगा आप लोगों को. सेक्शन 53 बचा है, अभी करेंगे इसको, डोंट वरी. सेक्शन 54, सेल नॉट जनरली रेस्किन बाय द लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट. सेल से कॉन्ट्रैक्ट रेस्किंड नहीं होता है by lien or stoppage in transit. Subject to the provision of this section, a contract of sale is not rescinded. Contract of sale khatam nahi ho jata hai by merely exercising by an unpaid seller of the right of lien or stoppage in transit. Ye baat main aapko samjha chuka hu. Contract khatam nahi hota hai, but adhikar barqarar rahega lien ka aur stoppage in transit ka. Contract tab khatam hoga jab buyer rescind karega. Rescind karega to fir wo sale karega. Resale nahi hogi fir. When the goods are of a perishable nature, अगर goods perishable nature के तो notice देने की जरूरत है क्या? Notice देने की जरूरत नहीं होती. Where the unpaid seller who has exercises right of lien or stoppage in transit gives notice to the buyer of his intention to resell, the unpaid seller may, if the buyer does not within a reasonable time pay. पहले तो of course ही बात है, उसे phone किया जाएगा, भैया अपना payment दे. लीन मैंने एक्सरसाइज कर लिया, स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर लिया, मेरे को पेमेंट दे, वो नहीं देता है पेमेंट, तो दैट सेलर कैन रीसेल द गुड्स विद इन अ रीजनेबल टाइम. क्या लिखा है यहाँ पर? रीजनेबल टाइम लिखा है, नहीं लिखा है? सेलर को रीजनेबल टाइम में रीसेल करना पड़ेगा, लॉस हो जाएगा तो भैया बायर पे नहीं करेगा. अभी हमने पढ़ा ना केस, मैसूर वाला जो केस था. एंड रिकवर फ्रॉम द ओरिजिनल बायर डैमेजेस फॉर द लॉस ओकेशन बाय हिज ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और डैमेजेस रिकवर करेगा जो उसने ब्रीच करा है. बट द बायर शैल नॉट बी एंटाइटल टू एनी प्रॉफिट. बायर प्रॉफिट नहीं लेगा विच मे हैव अकर ऑन द रीसेल. ये मैं आपको समझा ही चुका हूं. इफ सच नोटिस नॉट गिवन, अगर नोटिस नहीं दिया गया, द अनपेड सेलर शैल नॉट बी एंटाइटल टू रिकवर. डैमेजेस रिकवर नहीं कर पाएगा. एंड द बायर शैल बी एंटाइटल टू द प्रॉफिट इफ एनी ऑन सच रीसेल. अगर नोटिस नहीं दिया तो जो प्रॉफिट होगा तो वो देना पड़ेगा सेलर को, बायर को. नाउ थ्री क्या कहता है, व्हेन अनपेड सेलर हु हैज एक्सरसाइज्ड राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट रीसेल्स अ गुड्स, द बायर एक्वायर्स अ गुड टाइटल. उसको सही टाइटल मिलेगा, वैलिड टाइटल होगा. दे टू एज अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर, नॉट विदस्टैंडिंग दैट नो नोटिस ऑफ द रीसेल हैज बीन गिवन टू द ओरिजिनल बायर. चाहे ओरिजिनल बायर को नोटिस दिया हो या ना दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, where the seller expressly reserve a right of resale in case the buyer should make default, and on the buyer making default the resales the goods, the original content of sale is buyer rescinded, but without prejudice to any claim with the seller may have for the damages. मैंने आपको बताया फोर्थ पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जहां पे सेलर एक्सप्रेसली उसने रिजर्व करा था राइट ऑफ रीसेल का, यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रखा था, भाई मैं तेरे को बिगर बता बेच दूंगा अगर तूने डिफॉल्ट करा. कॉन्ट्रैक्ट
reserve the right of resale in the contract in case of the buyer should make a default. अगर buyer ने payment नहीं दिए तो मैं resell कर दूंगा being a seller. And on the buyer making default, जैसे ही buyer default करेगा तो seller resell कर देगा goods को. और अब जैसे ही वो रीसेल करता है तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो बायर और सेलर के बीच में वो खत्म हो जाता है. बट विदाउट, लेकिन तब भी सेलर क्या कर सकता है? सेलर इसका मतलब क्या लास्ट वाली लाइन का? कैन सू फॉर द डैमेजेस. हाँ जी, डैमेजेस मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो उसके लिए डैमेजेस पे का. इज दैट क्लियर? सेक्शन 54 इज ओवर. अब एक जल्दी से हम कर लेते हैं सेक्शन 53. सेक्शन 53 वैसे मैं आपको समझा चुका हूं, इसमें कुछ बचता नहीं है, बहुत सिंपल है. सेक्शन 53 देखो, सेक्शन 53 क्या कहता है? इफेक्ट ऑफ सब सेल. सब सेल का मतलब क्या है? सेलर ने गुड्स बेचे हैं बी को और बी ने बेचे हैं गुड्स सी को, यानी सब सेल कर दी है. तो क्या यहां पर जो सेलर है क्या उसका लीन का अधिकार खत्म हो जाता है या उसका लीन का स्टॉपेज इन ट्रांजिट अधिकार खत्म हो जाता है? आंसर इज नो, नहीं खत्म होता है. तब भी उसका राइट जो है बरकरार रहता है. इसका एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन ये है, अगर जो बी है मींस द बायर, अगर वो गुड्स को सेल कर रहा है विद द कंसेंट ऑफ द सेलर, तब यहां पर उसका अधिकार लीन का और स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म हो जाता है. ये बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर. और दो चीजें हैं, सब सेल कर रहा है या प्लेज कर रहा है. देखो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द अनपेड सेलर राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी सेल. कोई प्रभावित नहीं पड़ता है एनी सेल से और अदर डिस्पोजल ऑफ द गुड्स विच द बायर मे हैव मेड. बायर ने अगर सब सेल कर दी है, बायर ने गुड्स को प्लेज कर दिया है तीसरे इंसान को, तो उससे सेलर का अधिकार लीन का और स्टॉप इन ट्रांजिट का बरकरार रहेगा. बशर्त है, पहला एक्सेप्शन क्या कहता है? अनलेस द सेलर हैज एसेंटेड देयर टू. अगर सेलर ने खुद ही एसेंट दे दिया है तो ना ही लीन बचा ना ही स्टॉपेज इन ट्रांजिट बचा. बट अगर सेलर की कंसेंट नहीं है, सेलर जो है बायर जो उसने दोबारा सब सेल करी है उसको भी रोक सकता है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट में भी रोक सकता है और लीन भी रखता है. इज दैट क्लियर? हाँ जी बताइए. अब आता है इसका प्रोवाइजो टू. ये जो प्रोवाइडेड है ये भी इसका सेकंड एक्सेप्शन है. कौन सा एक्सेप्शन है? सेकंड एक्सेप्शन. पहला एक्सेप्शन कौन सा? अनलेस द सेलर हैज एसेंटेड देयर टू, यानी सेलर ने कंसेंट दिया एक्सेप्शन. दूसरा एक्सेप्शन क्या है? प्रोवाइडेड द वेयर अ डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल ऑफ द गुड हैज बीन इशूड. टाइटल डॉक्यूमेंट्स वो भी दे दिया गया है और लॉफुली ट्रांसफर टू द एनी पर्सन एज अ बायर और ऑनर ऑफ द गुड्स. सारे डॉक्यूमेंट्स भी ट्रांसफर कर दिए गए हैं. एंड दैट पर्सन ट्रांसफर द डॉक्यूमेंट टू पर्सन हु टेक्स द डॉक्यूमेंट इन द गुड फेथ. अब जो यानी मैंने आपको कहा एक सेलर है, एक बीच में बायर है और बायर ने सब बायर को गुड्स बेच दिए हैं या उनको प्लेज कर दिया. प्लेज की कंडीशन में अभी बाद में बताऊंगा, पहले सेल की. लेकिन जो दूसरा वाला जो बायर है, सब बायर है, उसने गुड फेथ में चीज करी हो, गुड फेथ में खरीदी हो, परचेजिंग करी हो और फॉर द कंसिडरेशन हो, पैसा भी दिया हो, ऐसा नहीं फ्री में नहीं. देन इन सच लास्ट मेंशन ट्रांसफर बाय वे ऑफ सेल द अनपेड सेलर राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट डिफेटेड. तब उसका अधिकार खत्म हो जाता है. क्यों अधिकार खत्म हो जाता है? क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए हैं और सामने वाला जो सब बायर है, सब बायर जो गुड फेथ में खरीद रहा है, कंसिडरेशन में खरीद रहा है. And in such last mentioned transfer by way of pledge, अगर प्लेज किया गया है, बायर ने प्लेज कर दिया है कि थर्ड पर्सन को या अदर डिस्पोजिशन फॉर द वैल्यू, द अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन ओनली बी एक्सरसाइज, तभी उसका राइट होगा सेलर का, सब्जेक्ट टू द राइट ऑफ द ट्रांसफरी. सब्जेक्ट टू द राइट ऑफ ट्रांसफरी. सब्जेक्ट टू द राइट ऑफ ट्रांसफरी का मतलब यहाँ पे क्या है? जैसे प्लेजी के जो राइट होते हैं उनको देखा जाएगा. प्लेजी का कॉन्सेप्ट मैं भी ध्यान से समझा दूंगा आपको लिख के. तो प्लेजी का जो अधिकार होते हैं, जो ट्रांसफरी के अधिकार है, उनको देखा जाएगा और तभी सेलर के अधिकारों को देखा जाएगा, उस हिसाब से चीजों को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा. आई विल गिव यू एन एग्जांपल, देन यू विल अंडरस्टैंड. बट एक बार बेरेक पढ़ लेते हैं. लास्ट कहता है वेयर द ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ प्लेज, जब गिरवी रख दी गई है चीज बायर के द्वारा, द अनपेड सेलर में रिक्वायर द प्लेजी. तो प्लेजी से ये कह सकता है
टू हैव द अमाउंट सिक्योर्ड बाय द प्लेज, जो चीज गिरवी रखी गई है उसको बेच दे, सेटिस्फाइड इन द फंड्स स्ट्रेंथ एज फार एज पॉसिबल आउट ऑफ एनी अदर गुड्स और सिक्योरिटी ऑफ द बायर इन द हैंड्स ऑफ द प्लेजी एंड अवेलेबल अगेंस्ट द बायर। तो यानी वो कह सकता है कि भाई तेरे पास जो चीज सिक्योरिटी रखी गई है ना प्लेजी के पास, उसको चीज को बेच दे, उससे जो पैसा आता है वो अपने पास रख, रिमेनिंग जो पैसा है वो किसको, सेलर को दे दे। ये बात समझ में आई? यानी प्लेजी के क्या राइट होते हैं, जब हम गुड्स रखते हैं किसी के पास तो प्लेजी के पास चीज इसलिए रखी गई है ना, मूवेबल होनी चाहिए पहली चीज। तो प्लेजी क्या करेगा, प्लेजी को अगर मैं पैसा दूंगा तो वो गुड्स को रिटर्न कर देगा, ठीक है, ऐसा ही तो होता है प्लेज। अगर मैं अपनी रिंग आपके पास रखवाऊंगा तो मैं आपको 10,000 रुपए वापिस दूंगा, मेरी रिंग वापिस दे देंगे, ये प्लेजी का अधिकार है ये गुड्स को रिटेन करना, बट जैसे उसको पैसा मिल जाएगा वो वापिस भी करे। तो अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि माना सेलर ने, सेलर के जो गुड्स है वो प्लेजी के पास पहुंच चुके हैं, तो सेलर ये कह सकता है कि भाई गुड्स को आपके पास जो प्लेज किए गए हैं उसको आप बेच दीजिए, उससे जो पैसा आता है वो आप अपना जो अमाउंट है उसको रख लीजिए, रिमेनिंग अमाउंट मुझे दे दीजिए। समझ में आई ये बात? बिल्कुल, मार्शलिंग है वो चीजें, मैं टीपीए में समझाऊंगा, देन यू विल अंडरस्टैंड। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे, तो उसको जो लॉस होगा फिर वो जो बचे हुए लॉस के लिए वो बायर को सू करेगा। बिल्कुल करेगा, बायर से तो अभी भी अधिकार थोड़ी ना खत्म हो जाएगा उसका, ठीक है। मैं अब समझा देता हूँ इसको, देखो सेक्शन 53 आपका आंसर ठीक है वैसे अर्चना, ठीक है। वो बायर से तो मांगेगा ना, जो सारी चीज रिकवर नहीं हो पा रही, 100 रुपए की चीज थी 20 रुपए मिले बस सेलर को उस गुड्स को बिकवाने के बाद भी, अब क्या करेगा यहाँ पर 80 रुपए किससे मांगेगा, 80 रुपए बायर को सू करेगा। इफेक्ट ऑफ सब सेल, इफेक्ट ऑफ सब सेल, सब सेल का मतलब क्या है, ए ने, ए इज अ सेलर, बी इज अ बायर और सी इज अ सब बायर, और इसको हम बोलते हैं सब सेल कर दिए। तो जब ए ने बी को गुड्स दिए हैं, इस दौरान वो क्या कर रहा है, इन गुड्स को सी को भी बेच देता है, सी को, डी को, ई को, कितने भी लोगों से मतलब नहीं फर्क पड़ता, इसने गुड्स इनको बेच दिए हैं। तो ए का जो अधिकार है लीन का और स्टॉपेज इन ट्रांजिट का, वो अभी भी बरकरार रहेगा, बी के सी को बेचने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका राइट अभी भी बरकरार रहेगा। से फॉर एग्जाम्पल अभी गुड्स अभी ए के ही पास है, गुड्स जो है सेलर के पास है, लेकिन ओनरशिप यहां जा चुकी है। जब ओनरशिप यहां जा चुकी है और ये इसने क्या करा, बी ने सी को बेच दिया, अक्सर ऐसा होता है डेली ट्रांजेक्शन में, तो ए जो है जब तक इसकी पेमेंट नहीं होगी तो क्या गुड्स रोक सकता है, नहीं रोक सकता है, अरे बिल्कुल रिटेन करेगा, राइट टू रिटेन तो अभी भी है, राइट टू रिटेन रोकेगा। लेकिन अगर गुड्स रास्ते में निकल चुके, बी के पास जा रहे हैं और ये बेच चुका है सी को, क्या रोक सकता है? आंसर इज यस, बिल्कुल रोकेगा, क्योंकि इसका अभी तक अनपेड है ना ये सेलर, तो अगर ये अनपेड सेलर हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता तो बिल्कुल रोक लेगा, तो इसके ए के अधिकारों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पहला एक्सेप्शन है। लेकिन राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म हो जाएगा, लीन का खत्म हो जाएगा, स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म हो जाएगा, अगर ये सारी चीजें जो हो रही है विद द कंसेंट ऑफ ए, ए का मतलब सेलर की कंसेंट से हो रही है, अभी मैंने पढ़ा है ना अनलेस वाली बात। दूसरा क्या है, जब टाइटल ही उसको ट्रांसफर हो गए हैं, टाइटल, डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स मींस बिल ऑफ लेडिंग, सब चीज जो किसके पास ट्रांसफर हो चुकी है, सी के पास जा चुके हैं, अब वो नहीं रोक पाएगा। बट इसमें भी अब हमने एक चीज देखनी है, अगर आती है बात अब प्लेज की, जब चीजें गिरवी रखी है, ए के गुड्स, ए एक सेलर है, बी एक बायर है और सी एक प्लेजी है, जो सी जो प्लेजी है ये गुड्स सेलर के हैं, लेकिन ऑनर ऑफ कोर्स की बात है, सेल हो चुके तो ऑनर भी बन जाता है, इसको गुड्स को प्लेज कर चुका है। अब प्लेजी की सिचुएशन में क्या होगा, जो प्लेजी के जो अधिकार होते हैं, प्लेजी का क्या होता है, रिटेन ऑफ द गुड्स, रिटेन रखेगा,
लेकिन इसके पास जो गुड्स है ना, इसको वो सेल करवा सकता है, सेलर कह सकता है भैया इन गुड्स को बेच दो, इन गुड्स से जो भी अमाउंट आएगा सबसे पहले अपने आप को पेमेंट करें, रिमेनिंग अमाउंट इसको दे दी जाए, ठीक है, ये होगा। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, बट एक बार बताओ, क्या ए जो है सब बायर से या सब सेलर से, सबको ये सी जो सेलर है, सब सेलर है, ठीक है, सॉरी सब बायर है, क्या अनपेड सेलर इससे पैसा मांग सकता है कि भैया अल्टीमेटली गुड्स तुम्हारे पास आ चुके हैं, बी को हटाइए बीच में से, मुझे पैसा आप दे दीजिए, कैन इट बी डन? नो, ही कैनॉट डू दैट, ही कैन नॉट डू दैट, ठीक है, ये नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? अभी आज का लेक्चर यही खत्म हो जाता है। चलो ओके, इट्स बीन ओवर नाउ।